विपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रमतेज्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि वेणुम् क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षम् बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गम् कन्दत्वकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि आलोलचन्द्रकलतद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदम् प्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामम् त्रिभङ्गललितम् नियतप्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम् जगन्ति आनन्दचिन्मयसदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यम् पुराणपुरुषम् नवयौवनम् च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि पञ्चास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गमानाम् सोऽप्यस्ति यत्प्रपदति श्रीकृष्णम् वन्दे जगद्गुरुम् परमात्मा के वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम। श्रीमद् भागवत के दिव्य तेजस्वी तपस्वी साधक प्रवक्ता पूज्य गुरुदेव पूज्य भाई श्री के श्री चरणों में प्रणाम। नागपुर की धरती पर श्रीमद् भागवत सप्ताह का मंगल शुभारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले श्रीमद् भागवत जी की पूजा एवं व्यास पूजा होगी। इस पूजा के लिए मुख्य मनोरथी ओजे अग्रवाल परिवार के श्री सूरज अग्रवाल एवं अर्चना अग्रवाल, जिनके नाम यहाँ से उद्घोषित हो, उनसे विनती है मंच पर पधारे। श्री रवि अग्रवाल एवं अमिता अग्रवाल, श्री नीरज अग्रवाल एवं संचिति अग्रवाल, श्री धीरज अग्रवाल, कृपाली अग्रवाल, श्री मोनिका खेमका एवं संकेत खेमका, श्री हरिप्रसाद अग्रवाल एवं सरोज देवी अग्रवाल। श्रीमद् भागवत जी के पूजन एवं व्यास पूजन के लिए इन सब से निवेदन है कि वो मंच पर उपस्थित हो। स्वर्गस्थ ओम प्रकाश जय अग्रवाल एवं स्वर्गस्थ संतोष देवी अग्रवाल, जिनके प्रेरणा स्रोत है, जिनकी पुण्य स्मृति में यह दिव्य कथा का आयोजन किया गया है। ओ जय अग्रवाल परिवार, आज इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का मंगल प्रारंभ श्रीमद् भागवत जी के पूजन एवं व्यास पूजन से करेंगे। हरिः ॐ मा इदं विष्णुर्विचक्रमेत्रे धानि दधे पदं मा समूढमस्य पाग्गु सुरे स्वाहा विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नप्त्रेस्थो विष्णोः स्यूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः
अतो धर्माणि धारयन्न। ओम भूर्भुवस्वः श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सकलोपचारार्थ गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। सेवन्तिका बकुल चंपक पाट्वलाब्जे पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पैः। बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमालतेभि स्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पमालिकां समर्पयामि। ओम अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय इति मन्त्रेण नैवेद्यं जलेन सम्प्रोक्ष्य तुलसीदलेन संयोज्य देन्वा अमृतीकृत्य चक्रेण संरक्ष्य ग्रासमुद्रां प्रदर्श्य ॐ प्राणाय स्वाहा। ॐ अपानाय स्वाहा। ॐ व्यानाय स्वाहा। ॐ उदानाय स्वाहा। ॐ समानाय स्वाहा। मध्ये पानीयं समर्पयामि। ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षगोंशीष्णोर्द्यौः समवर्तत। पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकामकल्पयन्न। पुनः ॐ प्राणाय स्वाहा। ॐ अपानाय स्वाहा। ॐ व्यानाय स्वाहा। ॐ उदानाय स्वाहा। ॐ समानाय स्वाहा। पूर्वोत्तरापोषणं समर्पयामि। हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि। मुखप्रक्षालनं समर्पयामि। वदनाम्बुजयाचमनीयं समर्पयामि। करोद्वर्तनार्थे नमस्कारान् समर्पयामि। हरिमिति मन्त्रेण दीपं प्रज्वाल्य ज्वालामालिन्यै नमः। गन्धपुष्पाभ्यां सम्पूज्यारार्तिक्यम् हरिः। ॐ मायिदग्गों हविः प्रजननं मे अस्तु। दशवीरग्गों सर्वगणग्गों स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न्यभयशनि। अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणी नमोऽस्तु ते। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः दिवाभिवन्दनं हस्ताभ्यां दिवाभिवन्दनं स्वात्मकल्याणार्थे आत्मश्रेयार्थे आत्माभिवन्दनं हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः। ॐ मा जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। चरणकमलयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं
व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहं। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। अनंतानंद कोटिवारं नमस्कारान् समर्पयामि। श्री भागवत भगवान की जय। सभी यजमान प्रदक्षिणा करके व्यासपीठ को प्रणाम करके पुनः अपने अपने स्थान पर लौट जाएंगे। श्रीमद् भागवत को प्रणाम। श्रीमद् भागवत के दिव्य तेजस्वी तपस्वी प्रवक्ता पूज्य गुरुदेव पूज्य पाई श्री के श्री चरणों में प्रणाम। कथा श्रवण करने हेतु पधारे आप सभी भक्तों के अंतरात्मा में विराजते हुए परमात्मा को वंदन। सबको जय श्री कृष्ण। स्वर्गस्थ सेठ ओम प्रकाश अग्रवाल एवं स्वर्गस्थ संतोष देवी ओम प्रकाश अग्रवाल की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से ओजे अग्रवाल परिवार के द्वारा इस नागपुर की धरती पर श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का मंगल शुभारंभ होने जा रहा है। हिंदुस्तान का हृदय है ये नागपुर, बीचों बीच बसा है, इसलिए ये नागपुर वैसे भी कई राष्ट्रवादी संगठनाओं का भी प्रमुख केंद्र रहा है। आज ये कथा जहां पर आयोजित हो रही है, मुझे जानकारी मिली है कि इस ग्राउंड को भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ग्राउंड कहा जाता है। और आज 15 दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि भी है। ये एक अजब संयोग है। आधुनिक भारत के अखंड शिल्पी, आयरन मैन, लोह पुरुष हिंदुस्तान के सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर सरदार पटेल के ग्राउंड पर हमारे गुरुदेव पूज्य भाई श्री भी अपनी कथाओं के जरिए राष्ट्रवाद का बोध कराते हैं। नागरिक धर्म का कर्तव्य कैसे हो, राष्ट्र के प्रति हर एक नागरिक का कर्तव्य क्या होता है, इसका बोध भी इस कथा के जरिए ये करवाते हैं। इसलिए बड़ा ही अजब संयोग है, सरदार जी की पुण्यतिथि, सरदार पटेल ग्राउंड और उसी राष्ट्रवाद के पुरस्कर्ता, सनातन वैदिक धर्म एवं परंपराओं के संरक्षक पुरस्कर्ता पूज्य भाईश्री के श्रीमुख से ये कथा आयोजित होने जा रही है। ये बड़ा ही अद्भुत संयोग है। तो अभी 7 दिन है, यहाँ से हर एक बात शेयर करेंगे, लेकिन आप सबसे एक यही विनती है। वैसे तो पूज्य गुरुदेव इसके बारे में बहुत अच्छी तरह बता सकेंगे, लेकिन उनकी सन्निधि में रहकर जो बहुत कुछ सीखा है, एक श्लोक के द्वारा कथा का श्रवण कैसे हो, पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत के महात्म्य के पद्म पुराण में एक श्लोक मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ। विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मंदिनत्व भावना। गुरु वाक्यों में विश्वास, गुरु कौन है, जो कथा सुना रहे हैं वही आज हमारे गुरु है। और खुद में दीनत्व भावना, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ऐसी भावना। और मनोदोष जयश्चैव, हमारे मन के सभी दोषों पर नियंत्रण, उन पर विजय प्राप्त करके कथायाम निश्चला मति ही। और निश्चय मन से अगर हम कथा का श्रवण करेंगे तो अंत में कहते हैं सर्वेषां वैकुंठे वसतीर ध्रुवम, सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। आइए हम सब भी इसी मनोयोग से, इसी मनोभाव से इस कथा का श्रवण करें। पूज्य भाई श्री के श्री चरणों में वंदन करते हुए उनसे विनती करते हैं इस कथारंग का शुभारंभ करने के लिए। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, हरिओम।
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने
कृष्ण त्वदीय पद पंकज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणम् श्रीद्वारकाधीश श्रीबालकृष्णलाल की जय सद्गुरु भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Thank you.
Oh.
समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविंद गोविंदमाधवस्तोत्र प्रेम से पाठ जो करे दामोदर दया दाने सहजे गोलोक संचरे श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयम् मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयम् मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री हरिं परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। परम कारुणिक भगवान श्री हरि के दिव्य चरण कमल में सदैव दंडवत स्थान के इस नगर के सभी स्थान देवताओं को प्रणाम। मुख्य यजमान ओजे अग्रवाल परिवार के सभी सदस्य, सभी उनके स्वजन स्नेही संबंधी, भगवत कथा श्रवण हेतु यहां पर उपस्थित व्यासपीठ के समक्ष अवस्थित सभी धर्म प्रेमी श्रोताजन, विज्ञान के माध्यम से इस कथा धारा से जुड़े हुए देश और विदेश के सभी श्रोता, व्यासपीठ से सभी का हार्दिक अभिनंदन। सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को प्रणाम। जय सियाराम, जय श्री कृष्ण, हरिओम। स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जी अग्रवाल और स्वर्गीय माता जी संतोष देवी जी अग्रवाल और सभी पूर्वजों के जो भी सुकृत है, पुण्य है, उनके फल स्वरूप इस सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का अवसर प्राप्त हुआ है। हम लोग ये मानते हैं कि भागवत कथा पितरों का मोक्ष कराने वाली है, निश्चित रूप से कराती है, भुक्ति मुक्ति प्रदा है,
लेकिन हम लोगों को क्या मिलता है? उन पूर्वजों के जो परिवारजन हैं जिन्होंने भागवत का आयोजन किया, इस आयोजन में वक्ता के रूप में जिसको भी सेवा मिली है, इस कथा का जो श्रवण करने वाले हैं उनको क्या मिलता है? उन्हें भी भगवान के चरणों में भक्ति, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग श्रीमद् भागवत के श्रवण से निश्चित रूप से प्राप्त होता है। व्यास भगवान स्वयं कह रहे हैं ये भागवत में, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। यस्याम वै श्रूयमाणायाम, वै निश्चयात्मक है, नो डाउट एट ऑल, जिसका श्रवण करने मात्र से जो श्रोता है उन सब की पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो जाती है। भक्ति ही उत्पद्यते, भगवान के प्रति एक आसक्ति, भगवान के प्रति एक अनुराग, भगवान के प्रति एक लगाव, इसका श्रवण करने मात्र से बन जाता है। उस लगाव को, उस प्रेम को, उस आसक्ति को ही भक्ति कहते हैं। शांडिल्य भक्ति सूत्र में शांडिल्य महाराज कहते हैं, सा परानुरक्तिरीश्वरे, भगवान में हुई परम आसक्ति का नाम है भक्ति। और नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद का निवेदन है, सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, यह भक्ति परम प्रेम स्वरूपा। हमारे भीतर यदि घृणा हो तो उस घृणा को समाप्त करके द्वेष के विष को दूर करके हमें प्रेम के अमृत से भर देती है, ऐसी यह भागवती कथा भक्ति जनी का संहिता है श्रीमद् भागवत। महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि वो भक्ति कैसी है, बोले शोक मोह भयापहा, शोक मोह और भय का हरण करने वाली। कुछ बातें ऐसी होती है कि बच्चों के हित में नहीं होती है, छोटे बच्चे हैं, अपना हित अहित नहीं समझते, तो वो चीजें जो उनको नुकसान पहुंचाने वाली है, समझदार मां बाप उनसे वो चीज छीन लेते हैं। छोटा बच्चा खिलौने से खेले ठीक है, उसके हाथ में छुरी आ जाए और वो छुरी से खेलने लग जाए तो निश्चित रूप से मां उसके हाथ से छीन लेगी। ये कहते हुए कि पागल, ये कोई खेलने की चीज है, लग जाएगी। चाहे वो बच्चा लाख उस छुरी के लिए रोए, जिद करे, मां नहीं देगी। उसी प्रकार ये भक्ति रूपी माता, ये भी हमारे जीवन से तीन चीजें छीन लेती है, शोक मोह भय अपहा, अपहरित कर लेती है, छीन लेती है हमसे। क्या क्या? शोक मोह और भय। हम सबको ये तीन चीजें बहुत परेशान करती है।
देखो मेरी व्यासपीठ के पास कोई चमत्कार नहीं है। जो भी कुछ होता है यह श्रीमद् भागवत भगवान की कृपा से होता है। श्रीमद् भागवत के ही श्रवण से भक्ति, और वो भक्ति तुम्हारे शोक को हर लेगी, तुम्हारे मोह को मिटा देगी और भय से तुम्हें मुक्त कर देगी। ये तीन चीज ही है जो संसार में सब व्यक्ति को दुखी 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 कर रही है। शोक है इसलिए आनंद नहीं है, मोह है इसलिए जीवन में सुख नहीं है, और भय है इसलिए जीवन में शांति नहीं है। जिसके भी जीवन में भय हो वो शांत नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार का भय, मृत्यु का भय, पैसा चला जाएगा ऐसा भय, मैं जिसको बहुत प्रेम करता हूं वो मर जाए, मर गया तो, वो मुझे छोड़ के चला गया तो, या तो मैं मर गया तो, ऐसा हुआ तो, ऐसा हुआ तो, भय। जहां भी भय होगा सतत अशांति में वो आदमी जिएगा। अशांतस्य कुतः सुखम, गीता कहती है कि जिसके जीवन में अशांति है वो सुखी कैसे हो सकता। तो शोक है, मोह है, भय है। मोह के चलते ही जीवन की सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। तुलसीदास जी कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला, मनुष्य की सभी समस्याओं का मूल मोह है। और शोक, उसी के चलते मायूसी, विषाद। एक बार और देखो, ध्यान से चिंतन करोगे तो बात समझ में आ जाएगी। किसी भी व्यक्ति का जो शोक होता है वो उसके भूतकाल से संबंधित होता है, मोह वर्तमान से संबंधित होता है, और भय भविष्य से संबंधित होता है। जो हो गया उसका शोक, ये चला गया, पैसा हमने खो दिया, कोई प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जो हो गया शोक उस भूतकाल से संबंधित है। भूत का शोक, वर्तमान का मोह, वर्तमान में जो भी है वस्तु व्यक्ति उसके प्रति एक लगाव मोह, और भविष्य से संबंधित भय। ये तीन बहुत उपद्रव करते हैं हमारे सबके जीवन में। हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं आनंद, हम चाहते हैं सुख, हम चाहते हैं शांति। लेकिन शोक है इसलिए आनंद नहीं है, मोह है इसलिए सुख नहीं है, और भय है इसलिए शांति नहीं है। बहुत स्पष्ट बात करी है वेदव्यास भगवान ने। हम आनंद चाहते हैं, वो आनंद भी कैसा? नित्य हो। कथा में आनंद आवे और घर पे जाए तो फिर वही का वही झंझट। चारों धाम की यात्रा में निकले, पंढरपुर यात्रा करें, पंडरीनाथ महाराज का दर्शन करें और आनंद, लेकिन नागपुर में घर पे आए तो फिर वही अशांति। आज सुख है और कल नहीं है, वो वाला सुख नहीं चाहिए। हमें नित्य आनंद चाहिए, नित्य सुख चाहिए। जंगल में जाए, मंदिर में जाए तो शांति, और घर पे अशांति नहीं।
हमारे भीतर वो शांति, हम जहां भी जाए जो भी परिस्थिति हो सदा शांति बनी रहे। तो दो बातें स्पष्ट हो जाती है कि जो आनंद सिंधु है उसी से आनंद मिलेगा, जो स्वयं सुख राशि है उसी से सुख की प्राप्ति होगी, और जो स्वयं ही शांति स्वरूप है। आइए रामचरितमानस की चौपाई को याद करें। ऐसा कौन है जो आनंद सिंधु है, सुख राशि है, स्वरूप से ही शांत है? वो है भगवान राम, वो है भगवान कृष्ण। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सब गाइए सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सुख धाम राम असना, सो सुख धाम राम असना, अखिल लोक दायक विश्राम, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो करते त्रैलोक सुपासी, सीखते त्रैलोक सुपासी, त्रैलोक सुपासी, त्रैलोक सुपासी, त्रैलोक सुपासी, त्रैलोक सुपासी। जो आनंद के सिंधु है, सुख के राशि है, जो शांत स्वरूप है, जिनके कृपा के एक छोटे से अंश से मैं आप और ये पृथ्वी नहीं त्रिलोक सुखी हो जाता है, वो है श्री राम, वो है श्री कृष्ण भगवान, वो नित्य आनंद, नित्य सुख, नित्य शांति का दूसरा नाम है भगवान। अतः मला तुम्ही सांगा हा कोण पुरुष आहे संसार मध्ये ज्याला शांती नव्हे, जो सुख की कामना वो करता ही नाही है, ज्याला आनंद नाही पाहिजे असं कोण? सर्वांना वही नित्य आनंद, नित्य सुख, नित्य शांति चाहिए। इसलिए मंदिरात तुम्ही जातो का नाही काय फरक पडत नाही, देवासाठी तुमचा अनुराग हे मजबूत आहे। कशासाठी? क्योंकि आनंद चाहते हो ना अपने लिए, सुख चाहते हो ना, शांति चाहते हो, इसका मतलब तुम भगवान को चाहते हो। सिंपल।
इस अर्थ में मैं मानता हूं कि संसार में कोई नास्तिक है ही नहीं, सब भगवान को चाहने वाले। तुम ईश्वर को सत्य मानो या सत्य को ईश्वर मानो, क्या फर्क पड़ता है भाई? गांधी बापू दांडी सत्याग्रह के लिए निकले साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद से, और फिर ये प्रतिज्ञा करके निकले थे कि कुत्ता बिल्ली की मौत मरूंगा लेकिन बिना स्वाधीनता बिना स्वतंत्रता लिए वापस नहीं लौटूंगा इस आश्रम में। और यहां वर्धा में बिल्कुल समीप में ही पवनार में विनोबा जी और वर्धा में महात्मा गांधी जी रहे, तो उनसे किसी ने पूछा कि बापू आप कहते हो ईश्वर सत्य है, वो उनके लिए जो मानते हैं ईश्वर को, हम नहीं मानते, हमारे लिए ईश्वर सत्य नहीं है। तो गांधी जी ने उनसे पूछा कि तो फिर तुम लोग यहां क्यों हो मेरे साथ? बोले हम तो आपके सत्याग्रह में हैं। बोले तुम सत्य को मानते हो? बोले हाँ सत्य को मानते हैं। गांधी बापू ने कहा फिर सत्य ही तुम्हारे लिए ईश्वर है, या तो ईश्वर को सत्य मानो। हम लोग सत्यनारायणाची महापूजा करते हैं, कई लोग प्रति पूर्णिमा के दिन करते हैं, तो सत्य ही नारायण है। या तो ईश्वर को सत्य मानो या तो सत्य को ही ईश्वर समझ करके सत्य का पालन करो, और यही धर्म है। तुलसीदास जी कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य समान कोई धर्म नहीं। कहने का तात्पर्य है हम लोग जो है हमको क्या मिलता है? दिवंगत, उनका मोक्ष होता है भागवत के श्रवण से, लेकिन सभी श्रोताओं को इसका श्रवण करने मात्र से भगवान में अनुराग होता है, भक्ति होती है, और वो भक्ति शोक मोह और भय को हर लेने वाली होती है और आनंद सुख और शांति से भरने वाली होती है। ऐसी भक्त जनी का संहिता श्रीमद् भागवत है, और पूर्व जो के पुण्यार्थ नहीं, पूर्व जो के पुण्य से ये अवसर आता है। भागवत कथा का आयोजन तब होता है जो पूर्वजों का पुण्य इकट्ठा हुआ है, जो हमसे कुछ बन पड़ा है सत्कर्म, उसके फल स्वरूप तुलसीदास जी कहते हैं पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, और व्यास भगवान कहते हैं जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के पुण्य जब एकत्र होकर के फल देते हैं, उसके परिणाम स्वरूप सप्त दिवसीय यह भागवत हमें प्राप्त हुआ है। पुण्य के फल स्वरूप भागवत मिलता है, और भागवत के फल स्वरूप भक्ति की प्राप्ति होती है। मैं पहली बार विदेश गया ना कथा की यात्रा के हिसाब से, तो थोड़े रुपये मुझे यहाँ वालों ने दिए कि साथ में रखिए, लेकिन फिर बताया गया कि रुपया तो वहाँ चलेगा नहीं। तो एयरपोर्ट पर बैंक होते हैं जो एक्सचेंज कर देते हैं कि आप रुपया दे दो, जिस देश में जा रहे हो वहाँ की करेंसी प्रिवेलिंग जो भी रेट हो तद अनुसार आपको दे देते हैं। बोले रुपया अंदर एयरपोर्ट में जा करके वहाँ वो सेंटर मिलेगा, वहाँ कन्वर्ट करा लेना, डॉलर ले लेना या पाउंड ले लेना, जहाँ आप जा रहे हो वो करेंसी ले लेना। तो फिर रुपया दे करके लोकल करेंसी ले ली, कन्वर्ट हो गया रुपया फॉरेन करेंसी में। भागवत कौन सा सेंटर है पता है? आपने जो भी पुण्य किया है, जो भी सुकृत किया है,
उसको कन्वर्ट करा लो, यहाँ एक्सचेंज करा लो, क्या होगा? बोले आपके पुण्य को कृष्ण प्रेम में परिवर्तित करके ये भागवत आपको प्रदान करेगा। पुण्य कन्वर्ट हो जाते हैं प्रेम में, श्री कृष्ण प्रेम में, भगवान जगन्नाथ के प्रेम में, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रेम में कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे पुण्य। लेकिन ये पक्का है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। तो ओजे अग्रवाल परिवार के पूर्वजों के पुण्य के फल स्वरूप यह सप्त दिवसीय भागवती कथा। श्रीमद् भागवत में जो धर्म बताया गया है, जिस धर्म का निरूपण है, वो व्यास भगवान कहते हैं, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरुद्यवरुद्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। प्रोज्जित कैतव निर्मत्सराणां सतां, मत्सर रहित मात्सर्य भाव से मुक्त ऐसे महापुरुषों के निष्कपट धर्म का इस भागवत में निरूपण है। और वो धर्म कैसा है? शिवदम, कल्याण प्रद, कल्याण प्रदान करने वाला। क्या परिणाम है उसका, उस धर्म का पालन करने का? तापत्रयोन्मूलनम्, त्रिविध ताप का उन्मूलन कर देता है, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप का उन्मूलन करने वाला। इसलिए श्रीमद् भागवत का श्रवण करो, इधर उधर और अन्य साधन करने से क्या, यही कलिकालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाय राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। कलिकाल में भगवान की कथा जैसा सरलतम और भगवान की कथा जैसा श्रेष्ठतम दूसरा कोई साधन ही नहीं है। इसलिए इस हरि कथा का श्रवण करो, श्रवण करते करते तुम्हारे हृदय में विराजमान भगवान का आविर्भाव हो जाएगा, तुम्हें अनुभव होने लगेगा। वो नित्य आनंद, नित्य सुख, नित्य शांति स्वरूप भगवान कहीं बाहर नहीं रहते, वो तुम्हारे भीतर भी रहते हैं। अंतर बहिरवस्थितम, और भीतर रहे हुए उस आनंद घन भगवान, सच्चिदानंद घन भगवान का तुम्हें अनुभव होने लगेगा। जिस धर्म के पालन से, उस धर्म का इस भागवत में निरूपण है। धर्म, हमारा जो धर्म है वो सनातन धर्म है। हिंदू धर्म प्रचलित है विश्व में, लेकिन हमारा सनातन धर्म है। सनातन इटर्नल, बाकी वालों के पास अपने अपने इतिहास है। कईयों का इतना 100 वर्ष पुराना, 1500 साल पुराना या 2000 साल पुराना, समथिंग लाइक दैट। लेकिन हमारे धर्म के विषय में कोई ये नहीं कह सकता कि ये इतना 1000 वर्ष पुराना है, ना ये सनातन है। बाकी वाले मजहबों को, रिलीजन को किसी एक पुरुष ने चलाया है, इस धर्म को किसी व्यक्ति विशेष ने चलाया नहीं।
तो यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है सत्य से। और वो सत्य कौन सा? बोले परम सत्य। सत्य भी व्यावहारिक, प्रातिभासिक और पारमार्थिक, तीन सत्य है, त्रिसत्यम। उसकी चर्चा हम करेंगे जब भागवत का मंगलाचरण का गायन करेंगे। लेकिन व्यावहारिक सत्य, प्रातिभासिक सत्य और पारमार्थिक सत्य, पारमार्थिक सत्य का ही दूसरा नाम है परमात्मा। और उस परम सत्य जिसको हम परमात्मा कहते हैं, उसी का वर्णन, उसी का निरूपण, उसी की कीर्ति का गायन श्रीमद् भागवत में है। अतः श्रीमद् भागवत का प्रारंभ सत्यम परम धीमहि से होता है, और भागवत का उपसंहार भी सत्यम परम धीमहि से होता है। उस परम सत्य से जुड़ा हुआ, और सत्य इटरनल है, सत्य सनातन है, इसलिए उससे जुड़ा हुआ हमारा धर्म, धर्म न दूसर सत्य समाना, हमारा धर्म भी सनातन है, और इसलिए हम लोग जय घोष करते हैं। आइए सब मिलकर के जय घोष करेंगे, बोलिए सत्य सनातन धर्म की, बोलिए सनातन वैदिक धर्म की, बोलिए सत्य सनातन धर्म की। बिना धर्म के शिव नहीं आता, शिव माने कल्याण। आप लोग जानते ही हैं कि भोले बाबा जब आते हैं तो नंदी पर बैठकर आते हैं। नंदी मतलब धर्म। हमारे यहां नंदी को धर्म रूप माना गया। इस कथा में, नागपुर में जब ये कथा हो रही है, तो यहां की जो पूरी थीम है आप लोगों ने देखा, यहां बैल है, और नागपुर वाले पोला उत्सव है ना, पोला, यहां बड़ी महिमा पोला उत्सव की, सितंबर में मोस्टली आता है, बड़ी मान्यता है। उत्तर भारत वगैरह में जाओ तो वहां गोपाष्टमी की बड़ी मान्यता है, गायों की पूजा करते हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि महाराष्ट्र में यहां पोला उत्सव में लोग बैल की पूजा करते हैं। गाय की पूजा, गाय महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें कहीं बैल को हम इग्नोर कर दे, बैल की उपेक्षा कर दे, ये ठीक नहीं है। तो अच्छा लगा यहां महाराष्ट्र की और खास करके नागपुर की और इस विस्तार की जो संस्कृति है, इसमें बैल की पूजा होती है साहब पोला उत्सव में। पूजनी तो है, हम तो सबको पूजनी मानते हैं। गाय बोले वो तो सर्व देवता का जिसमें वास है, सर्वदेवमयी ही गौ, सर्वदेवमयी है गाय। सुरभ्ये नमः, नमन करते हैं हम। नंदी बोले हमारे लिए धर्म का प्रतीक। शेर परम्बा भगवती का वाहन है, भोले बाबा नंदी पर विराजते हैं, तो शेरावाली माँ भगवती देवी दुर्गा वो शेरावाली शेर पर सवार करती। चूहा बोले गणपति का वाहन, मोर कार्तिकेय का वाहन। सबकी अपनी अपनी मोटर कार है परिवार में, सबका अपना वैयक्तिक वाहन। गणेश जी का चूहा, कार्तिकेय का मोर, देवी मां का शेर, भगवान शिव का नंदी, शंकर जी के गले में सांप। सब वैसे देखा जाए तो विरुद्ध प्रकृति वाले हैं। सांप चूहे को देखे तो छोड़े नहीं, खा जाए। मोर सांप को देखे तो बिना मारे रहे नहीं।
शेर की नजर पड़ जाए, शेर की दृष्टि पड़ जाए बैल पर, नंदी पर। तो आजकल के बच्चे जिस तरह से पिज्जा देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, तो शेर तो उस तरह से प्रसन्न हो जाएगा कि वाह क्या आज भोजन मिला। सब विरुद्ध प्रकृति वाले, लेकिन महादेव के दरबार में सभी प्राणी अपना स्वाभाविक वैर छोड़ करके एक साथ रहते हैं। शंकर जी का सांप चूहे को नहीं मारता, कार्तिकेय का मोर वो सांप को परेशान नहीं करता, देवी मां का शेर नंदी को नहीं छेड़ता। हमने देखा कि सभी प्राणियों को किसी न किसी देवताओं से जोड़ा। मोर को हमने सरस्वती के साथ भी जोड़ा, गरुड़ को भगवान विष्णु के साथ जोड़कर देखा है, वो विष्णु का वाहन है। हंस तो हंस को भी सरस्वती और ब्रह्मा दोनों से जोड़ा है हमने, ब्रह्मा जी का भी वाहन है और सरस्वती को भी हंसारूढ़ बताते हैं हम। अरे इतनी देवी माताएं हैं हमारे यहां अलग 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 रूपों में। मुर्गे पर बैठी हुई मां है, बहुचर मां, आपको क्या बताऊं, गधे पर बैठी हुई भी मां है जिसका वाहन गधा है, शीतला मां उसका वाहन है गधा। क्यों हम मूर्ख हैं जो इस तरह से देवताओं को इन सभी पशु पक्षी प्राणियों के साथ जोड़ करके हम उसकी पूजा करने लग जाते हैं ना। यही है हमारा सनातन धर्म जो सब में देवता को देखता है, इसलिए हम मारते नहीं, हिंसा नहीं करते। मंदिर में जाते हैं भगवान शिव के तो गणेश जी के साथ साथ चूहे की भी पूजा, महादेव के मंदिर में जाते हैं तो नंदी की पूजा। और हमारे यहां तो यह भी परंपरा है, आप लोगों ने देखा होगा कि लोग जो कुछ कहना हो शंकर जी तक बात पहुंचानी हो तो नंदी के कान में कह देते हैं, प्रार्थना करते हैं नंदी को। जो लोग नास्तिक है या तो जो लोग नहीं समझते विदेश से आए तो उनको तो ये बड़ा बेवकूफीपूर्ण, और बेवकूफीपूर्ण नहीं तो विचित्र वियर्ड तो लगता ही है कि पत्थर का बना हुआ एक मूर्ति है, बैल के रूप में बनाया है और इसके काम में आप कहते हो। वो लोग सनातन धर्म की ब्यूटी को नहीं जानते, वो इसके तत्व को नहीं समझते। जो कुछ कहो धर्म से कहो, जो कुछ मांगो धर्म से मांगो, अधर्म से अधर्म चाहे लाख दे दे उसमें तुम्हारा कल्याण नहीं है। धर्म जो प्रदान करेगा उसी में कल्याण है तुम्हारा, वही शिवदम। धर्म प्रोज्जित कैत वोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। शिवदम कल्याण देने वाला भगवान शिव जब आते हैं तो नंदी पर बैठकर आते हैं। शिव मतलब कल्याण जब तुम्हारे जीवन में आता है तो धर्म पर बैठ करके ही आता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में भी राजा परीक्षित जब दिग्विजय के लिए निकले, राजसु यज्ञ अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, दिग्विजय के लिए निकले हैं पूरे पृथ्वी को जीतने, और उस वक्त उन्होंने यह दृश्य देखा है कि एक गाय और एक बैल
दोनों को हल से जोत करके एक किसान एक एक शूद्र एक एक राजा रूपधारी, वहां राजा रूपधारी कली पुरुष की बात है, तो वो खेती कर रहा था, अपनी खेती कर रहा था, किसका उपयोग करके, बैल और गाय का, दोनों को हल से जोता था। इसमें वर्णन है कि उस बैल के तीन पग टूटे हुए थे, एक ही पग मजबूत साबुत था। अब बेचारा खड़ा होने में भी मुश्किल का अनुभव कर रहा था, खड़ा होने में भी पीड़ा का अनुभव कर रहा था, अब वो हल पे उसको जोता है, हल खींचना चलना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। तो वो राजा रूपधारी कलिपुरुष उसको दुखी कर रहा था, मार रहा था। एक वो लकड़ी आती है ना, उसके छोर पे एक नुकीली कील जैसा होता है, हमारे यहां उसको आर कहते हैं, तो वो चुभाता बैल को कि चल। बेचारा बैल चल नहीं पा रहा था, दुखी होकर के रो रहा था, आंख से आंसू बह रहे थे, गोबर और मूत्र का त्याग कर रहा था, और उसकी वह दशा देख करके वो गैया बहुत दुखी हो रही थी। वहां पर उस बैल और गाय का संवाद है भागवत में, प्रथम स्कंद में। अब ये रूपक बड़ा ध्यान देने योग्य है कथा में। गाय जो है वो धरणी का रूप है, धरती पृथ्वी, और बैल धर्म का प्रतीक है। दोनों धारण करते हैं, इसलिए तो धरणी, धर्म भी धारण करता है। धारणा धर्ममित्याहु धर्मेण धारते, प्रजा धर्म से ही बचती है। धर्म को धारण करो और धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, धरती धारण करती है, तुम टिके हुए हो, हम लोग टिके हुए हैं, उसका कारण है धरती मां। धरती माता ने हमको धारण किया है, हमारा मकान धरती पर, हमारी दुकान धरती पर, हमारा यह पंडाल धरती पर, हम बैठे हैं धरती पर, हवाई जहाज उड़ता भी है तो धरती से लैंड करता है धरती पर, रॉकेट छोड़ा जाता है आसमान में, स्पेस में भेजा जाता है धरती से। धरती धारण करती है, जैसे मां गोद में धारण करती है बालक को, उसी तरह धरती माता धारण करती है पृथ्वी के सभी प्राणियों को। अतः हमारे धर्म में सभी प्राणियों को पृथ्वी की संतान और पृथ्वी को माता बताया गया। अच्छा, केवल गोद में ही बिठाकर केवल लाड लड़ाना दुलारना यही नहीं करती मां, भूखे बालक को दूध भी पिलाती है। थोड़ा बड़ा हो गया तो मां के पास ही आएगा, मां भूख लगी है, और मां तुरंत उसको पकाकर खिलाती है अन्न। इस तरह से भी धारण, क्योंकि यदि खाएंगे नहीं, पानी नहीं होगा, अन्न नहीं होगा, तो हमारा शरीर टिकेगा नहीं। धरती ही अन्न देती है, धरती पर ही नदियां बहती है, धरती पर ही बड़े बड़े सरोवर हैं। जैसे मां मटके में पानी भर करके रखती है,
धरती माता सरोवरों में पानी भर करके रखती है, जैसे नल से पानी बहता है, नदियों से पानी बहता है कि नहा लो पी लो। और वही धरती माता अन्न पैदा करती है, खिलाती है हम सबको। गाय धरणी का रूप है। भागवत पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, जब जब धरती पर पाप का भार बढ़ गया, अनेक दुष्ट राजा हुए, उनके अत्याचार अनाचार दुराचार जब बहुत बढ़ गए, तब तब धरती गाय का रूप लेकर जाती है देवताओं के पास रोती हुई। तुलसीदास जी लिखते हैं, जब जब हो ही धर्म के हानि, जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, आई असुर अधम अभिमानी, करई अनीति जाई नहीं पर धर्म की हानि होती है। धर्म की बात मैं कहूं, बैल को याद रखना क्योंकि यह धर्म का रूप है। पोला उत्सव ध्यान में रख करके कथा सुनना है। अब की बार जो यहां नागपुर यहां का उत्सव है और यहां की जो परंपरा यहां की जो संस्कृति है उसके साथ जोड़ करके कथा को देखना है। अब की बार पोला उत्सव, बैल की पूजा, नंदी की पूजा, नंदी धर्म। तो जब जब धर्म की हानि होती है, और धर्म की हानि मतलब केवल यवनों के द्वारा विधर्मियों के द्वारा मंदिर तोड़े जाएं, यज्ञ यागादि बंद करा दिया जाए, ये तो धर्म की हानि है ही है। लेकिन केवल यही धर्म की हानि नहीं है, समाज में
जो धर्म का चरण है वो चरण का आचरण न रहे। बैल के चार चरण हैं, नंदी रूप धर्म के चार चरण हैं, उन चार चरणों से ये धर्म चलता है, गति करता है। वो चार चरण कौन से हैं? हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में ऋषियों ने समझाया। पहला चरण है सत्य, सत्य पर ही सब टिका है। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य। जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने चर्चा करी, सत्यम परम धीमहि से ही भागवत की यात्रा शुरू होती है और उस परम सत्य का ही निरूपण संपूर्ण भागवत में। सत्य समान धर्म नहीं है, सत्य का आचरण करना यही धर्म, और झूठ समान पाप नहीं है। असत्य ही अधर्म है, भागवत कहता है नहीं असत्यात् परो अधर्म। असत्य से झूठ से बढ़कर के अधर्म नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं नहीं असत्य सम पातक पूंजा, गिरि सम होई की कोटिक गुंजा। सत्य धर्म का पहला चरण याद रखना। ये चरण क्यों है? आचरण के लिए, यानी हमारे व्यवहार में वो लाने के लिए। केवल सत्यनारायण की पूजा करा ली, कई लोग हर पूर्णिमा को सत्यनारायण की पूजा करते हैं। आमच्या इकडे सत्यनारायणची महापूजा आहे, तुम्ही सगळे या सायंकाळी। सत्यनारायण की पूजा हर पूर्णिमा के, और असत्य रोज सुबह से लेकर के रात में सोते तक असत्य की ही पूजा होती है। सत्य की पूजा, सत्यनारायण की पूजा तो केवल एक दिन 3 घंटे के लिए। ना सत्यनारायण की पूजा का अर्थ है सत्य ही नारायण है, और उसकी पूजा का मतलब है सत्य का ही आचरण, पग पग पर हर क्षण। कभी झूठ न बोले, कभी गलत न करे, कभी बेईमानी न करे। सत्य का आचरण, यही सत्यनारायण की पूजा है। ये धर्म का पहला चरण है सत्य। दूसरा चरण शौच, पवित्रता। जीवन में पवित्रता हो, खान पान में पवित्रता हो। विज्ञान स्वच्छता पर जोर देता है, लेकिन धर्म केवल स्वच्छता पर नहीं, पवित्रता पर भी जोर देता है। स्वच्छता का तो स्वागत करता ही है, स्वच्छता का आग्रह धर्म में भी है, लेकिन जोर देता है धर्म पवित्रता पर। जो पानी स्वच्छ है, पीने योग्य है, पोटेबल वाटर है, जरूरी नहीं कि वो पवित्र ही हो। पानी सबसे सेंसेटिव पदार्थ है। तुमने देखा पानी में बिजली का करंट हो और तुम लोग नहा रहे हो, क्या दशा होगी? पानी बिजली के उस करंट को इस तरह से पास करता है, झटका लगेगा और खत्म। पानी बड़ी सेंसेटिव वस्तु है। पानी के अणु परमाणु, कौन इसको छूता है, कहां ये पानी पड़, तुरंत एब्सॉर्ब कर लेता है पानी सारी चीजों को। आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि
लोटा जल भर करके और उसमें माला डुबो करके कई लोग जप करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, है ना, कई लोग ऐसा करते होंगे। तो लोटा जल में माला डुबो कर और मंत्र जाप करते हैं और फिर 10 माला 11 माला 21 माला जो भी नियम हो जप करने के उपरांत फिर वो पानी पी लेते हैं। दूसरे लोगों को लगता है ये क्या पागलपन है, इससे क्या होता है? बहुत कुछ होता है। इसलिए हमारे यहां सबके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए ये कहा गया, क्योंकि उसके अणु परमाणु आ जाते हैं उसमें। पानी बड़ी सेंसिटिव चीज है। ऋषि मुनि कोई पागल नहीं थे, बड़े वैज्ञानिक थे। बहुत सोच समझ करके उन्होंने सारे नियम बताए हैं और पालन करने के लिए अनुरोध किया। बहुत सेंसिटिव वस्तु है पानी। और हमारा शरीर जितना भी है, हमारा वजन 70% पानी से बना। यही वजह है कि पानी के बिना मर जाएंगे। बिन पानी सब सून। 2 दिन खाना नहीं मिले इंसान जिंदा रह सकता है, 2 दिन पानी नहीं मिला बड़ी मुश्किल। विपरीत परिस्थिति में अपने ही मूत्र को पी करके लोग जिंदा रहे हैं। पानी चाहिए शरीर में। दस्त लग जाते हैं, उल्टियां होने लगती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है फूड पॉइजनिंग के चलते, और शरीर से पानी निकल जाता है तो फिर कितनी कमजोरी अनुभव करते हो। एक निश्चित मात्रा में पानी बना रहना चाहिए शरीर में। उस मात्रा से यदि पानी कम हो गया शरीर में से तो शरीर इतना कमजोर हो जाता है, चलना फिरना खड़े रहना मुश्किल हो जाता है। पानी से बना है तुम्हारा शरीर, तुम्हारा यह अस्तित्व पानी, अधिकांश पानी से बना हुआ। इसलिए कौन सा पानी पी रहे हो, किसके हाथ का पानी पी रहे हो, कहां का पानी पी रहे हो, ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुराने जमाने में लोग प्यास लगी पहले पूछते थे फिर पानी पीते थे। आजकल बोतल में पानी आने लगा है, पोर्टेबल है वाटर, दैट्स गुड, आरोग्य की दृष्टि से अच्छी बात है, लेकिन पवित्र है क्या? स्वच्छ है, लेकिन वस्तु पवित्र भी है वो, ये धर्म में आग्रह रखा गया है पवित्र भी हो। हम लोग त्रिकाल संध्या करते हैं, आप लोग पूजा करते हैं, देव पूजा में बैठते हैं, पहली चीज हमारे जो ब्राह्मण लोग कराते हैं वो क्या है? अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य जत्कामः पुने तच्छक्केयम् पवित्रम पवित्रम पवित्रम। जहां पूजा करनी है उसको भी हम गोमय से लीप कर पवित्र करते हैं। या तो फर्श लादी से बनी हुई है तो उसको ठीक से धोकर हम पवित्र करते हैं, रंगोलियां सजाते हैं, तब जाकर ये यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, देव स्थापन तब बनता है। तो वहां गंदगी भी ना हो, साफ सुथरा हो, लेकिन पवित्र भी हो सारी चीजें।
अब जब पूजा 7 दिन चलेगी ना, आप लोग देखना, जल की पूजा कराते हैं, ठीक है, कलश में पानी उसकी पूजा कराते हैं। सारे तीर्थों का आवाहन किया जाता है, जल जो है कलश में। स्ववाम भागे अक्षत पुंजोपरी कलशम संस्थाप्य तत्र वरुणावाहनम ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुण। वरुण देवता का आवाहन किया जाता है। अस्मिन् कलशे वरुणम सांगम सपरिवारम आवाहन करके, और फिर गंधाक्षत पुष्प इत्यादि से पूजा करके, पूर्वे ऋग्वेदाय नमः, दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः, पश्चिमे सामवेदाय नमः, उत्तरे अथर्ववेदाय नमः, कलश मध्ये अपाम पतये वरुणाय नमः, चारों दिशा में टीका लगाया जाता है। बोले थोड़ा चंदन छिड़क दो भाई जल के मध्य में, कलश मध्ये अपाम पतये वरुणाय नमः। कहते अंकुश मुद्रा सर्वाणि तीर्था, सूर्य मंडलात् सर्वाणि तीर्थान्यावाह्य। अंकुश मुद्रा से हमारे यहां मुद्रा का पूरा साइंस है वाला, कितनी मुद्रा है, अंकुश मुद्रा, और सीधा सूर्य मंडल से सब तीर्थों का इसमें आवाहन करते हैं कलश में, क्योंकि सूर्य की किरणें जहां जहां जो भी जलाशय है वहां से वो लेकर के जल को बादल बनाते हैं, और सूर्य नारायण सर्वत्र पहुंचाते हैं, वर्षा होती है। तो सूर्य मंडल से अंकुश मुद्रा के द्वारा सर्व तीर्थों को आकृष्ट करके उसमें कलश में आवाहन करके, और फिर धेनु मुद्रा से इसको अमृत, इसको धेनु मुद्रा कहते हैं, कवचेन अवगुंठ्य। ये भगवान को जो आप जिमाते हो ना भोग, तो उस वक्त ये वाला हाथ, बाएं वाला हाथ मुंह के आगे, और दाहिने हाथ से यूं ग्रास मुद्रा से भगवान को जिमाना चाहिए। पंच प्राण है इसलिए पंच प्राणों को पंच आहुति देना चाहिए। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। ग्रास मुद्रा कहते हैं इसको, ग्रास निवाला। जब हम खाते हैं, भोजन करने बैठते हैं, तो यूं लिया और यूं अपने मुंह में डाला। अपने मुंह में डालते समय हाथ उल्टा होना चाहिए, बाकी देवताओं को खिलाते समय, और यज्ञ है तो अग्नि वेदिका में, अग्नि वो देवताओं का मुख है, और जब तुम उनको खिलाते हो तो यूं सीधे हाथ से खिलाना चाहिए। जो नहीं समझते तो यूं हाथ तो कर लेते हैं पंडित जी के कहने से, अबे प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा, तो ऐसे 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 करते हैं, मतलब जाओ जाओ। खिलाओ कि भगाओ, भगाना नहीं है, खिलाना, तो सीधे हाथ से आहुति भी ग्रास मुद्रा से ही पकड़ करके, और सीधे हाथ से स्वाहा, अग्नि में आहुति पड़ेगी। उसके भी नियम है, हा में जो आकार होता है उस वक्त आहुति पड़नी चाहिए, ठीक टाइम पर पड़नी चाहिए तो बात बनेगी। वो तो ठीक टाइम पे बॉल निकल जाए और फिर बैट घुमाए, तब तक तो स्टंप आउट हो चुका होता। उसी समय, ठीक समय स्वाहा, तब आहुति पड़नी चाहिए। ग्रास मुद्रा और मृगी मुद्रा कहते हैं इसको, क्योंकि मृगी, देखो मृगी, मृगलिका जैसे ये हो गई गर्दन उसकी, ये हो गया मुंह, ये हो गए उसके सिंह, ये मृगी मुद्रा है। ऐसे पकड़कर आहुति और फिर सीधे हाथ से स्वाहा,
जो जल की हम पूजा करते हैं पहले, और उस जल से संपूर्ण जल को उदकाद उदकम गृहीत्वा, और उससे फिर जल लेकर के पवित्र स्थो वैष्णवियो सवितुर्वह सब पवित्र करते हैं। तुम्हारे आसपास जितने भी पूजा द्रव्य है उसको भी पवित्र किया जाता है, स्वयं को पवित्र किया जाता है। पवित्रता पर कितना जोर दिया गया है देखो, आजकल धीरे धीरे हम स्वच्छता के विषय में जागृत हो रहे हैं और होना बहुत जरूरी है। क्लीन इंडिया मूवमेंट धीरे 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 अपना प्रभाव दिखा रहा है। ये कमजोर नहीं हो जाना चाहिए, स्वच्छ रखो। ये सब इतना स्वच्छ सुंदर है तो कितना अच्छा लगता है। हमारी गलियां गंदी हो, हमारे रोड्स पर कचरा पड़ा हो, गंदगी के चलते न सौंदर्य रहता है न स्वास्थ्य। अतः स्वच्छता, अब धीरे 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 हमारे रेलवे प्लेटफॉर्म कितने स्वच्छ है, ट्रेन कितनी स्वच्छ, और अभी अभी तो जो ट्रेन निकली है वंदे भारत वगैरह, ऐसा लगता है जैसे विदेश में हम यात्रा कर रहे हैं। वाह, साफ विकास तो है, सीधा सीधा स्पष्ट दिखे इस तरह का विकास। तो रेलवे मंत्रालय हो या रोड्स कितने बढ़िया बन रहे हैं, नागपुर तो फिर केंद्र है, खास करके लॉजिस्टिक्स की जब बात आएगी तो नागपुर का अपना एक महत्व है और आने वाले दिनों में नागपुर का अपना भविष्य है। पूरब से पश्चिम की ओर जाए, पश्चिम से पूरब की ओर जाए, उत्तर से दक्षिण की ओर जाए, दक्षिण से उत्तर की ओर जाए, सबको नागपुर से होते हुए जाना पड़ेगा। नागपुर जरूरी है। कितना सुंदर काम हो रहा है इस वक्त। अब हमारे बच्चे अभी भी बड़ों के अंदर तो थोड़ी वो पुरानी आदत अभी भी है, गई नहीं, कि चिप्स खा करके और चलती हुई कार से फिर थोड़ा शीशा नीचे करके थैली बाहर फेंक दी, कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन बच्चे अब समझते हैं, तो यदि दादा फेंकने जाए तो दादा डोंट डू दैट, मुझे दे दो, मुझे दे दो, बाहर नहीं फेंकना चाहिए, रास्ते पे कचरा नहीं गिराना चाहिए। अब बच्चे समझदार हो गए और ये बहुत अच्छी निशानी है। और हम ही लोग विदेश में जाते हैं तो बिल्कुल एकदम संभल करके एकदम डिसिप्लिन में काम करते हैं, तो हम अपने देश में क्यों पूरा पूरा, हमारे अपने देश को क्यों स्वच्छ और साफ सुथरा न रखें। और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री स्वयं जब हाथ में झाड़ू लेकर के शुरुआत करते हैं प्रधान सेवक, तो निश्चित रूप से देश की जनता वो भी अपना अपना जो भूमिका है उसका निर्वहन करती ही है। तो स्वच्छता, नीट क्लीन सब हो, आवश्यकता है उसकी। लेकिन धर्म की बात आती है तो उसके साथ साथ पवित्रता, पवित्रता पर बहुत जोर, क्योंकि वो धर्म का एक अंग है। हर चीज जो खाने योग्य होती है, फूड इंस्पेक्टर आवे तो फूड इंस्पेक्टर तो सर्टिफिकेट दे सकता है कि एकदम ठीक है, खाया जा सकता है। लेकिन धर्म कहता है, ए रुको, धर्म की दृष्टि से वो खाया जा सकता है कि नहीं ये भी तो पूछो। तो धर्म कहता है ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए, ये सारी चीजें अपवित्र है। शराब, मांस, मदिरा, दूर रहो। अरे वेजिटेरियन फूड में भी, वैष्णव हो, लहसुन प्याज इत्यादि से दूर, क्योंकि हर खुराक, हर आहार का अपना परिणाम है। ऋषि मुनियों ने प्रयोग के द्वारा जब देखा कि इससे क्या होता है, हाँ स्वास्थ्य विषय कुछ परिणाम होते हैं लेकिन मनोविषयक दूसरे परिणाम होते हैं।
अभी तक विज्ञान इस बात का स्वीकार नहीं करता, लेकिन हमारे यहां तो यह कहा गया जैसा अन्न वैसा मन। देखो जो भी हम खाते हैं पीते हैं उसके तीन हिस्से होते हैं। उसका जो स्थूल हिस्सा है वो मलमूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है, पसीना बन करके, मल हो करके, या मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है। उसका जो सूक्ष्म हिस्सा है, उसका जो मध्यम हिस्सा है, स्थूल हिस्सा तो मलमूत्र के रूप में बाहर निकल गया, लेकिन आहार का जो मध्य भाग है, मध्य वाला हिस्सा, वो रस बनता है। रस से रक्त, रस से रस, रक्त, मांस, मदिरा, मज्जा, इस तरह से हमारे शरीर की सात धातुएं बनती हैं। शुक्र पर्यंत इससे हमारा फिजिकल अस्तित्व बनता है, शरीर टिकता है। और तीसरा आहार का जो सूक्ष्म हिस्सा है उससे हमारा मन बनता है। तदनुसार तुम्हारे विचार बनेंगे, तुम्हारी भावनाएं बनेंगी। इसलिए जैसा अन्न वैसा मन ये कहा गया। क्या खाते हो क्या पीते हो उसकी बड़ी महिमा है, बड़ा महत्व है उसका। तो धर्म कहता है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति ही। आहार शुद्धि से ही सत्व यानी मन की शुद्धि होती है। और मन ही सब कुछ है साहब। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। तुम्हारे बंधन, तुम्हारी मुक्ति, तुम्हारा सुख दुख, मान अपमान, मन ही कारणभूत है। मन बिगड़ा जीवन बिगड़ेगा। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी।
बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चाहि निज मन मुकुर सुधार। मुकुर कहते हैं दर्पण को, आईना मन दर्पण की तरह है। और यदि वो मैला है, क्या तुलसी बाबा ने एक एक दृष्टांत दिए हैं। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना राम रूप देखहिं किमि दीना। जिसका मुकुर मलिन हो, मैला हो और आदमी खुद अंधा हो, उसको कैसे अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो आंख में अंधापा ना हो, मन मैला ना हो। मन साफ है और आंख हमारे पास दृष्टि है। सद्गुरु का वचन सुनते सुनते, सत्संग सुनते सुनते दृष्टि मिलेगी, अज्ञान का अंधापा दूर हो जाएगा। क्योंकि सद्गुरु अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु के वचन हमारा अज्ञान रूपी अंधापा दूर कर देता है। और सद्गुरुदेव के चरणारविंद की रज यानी सद्गुरुदेव का आचरण, उनके आचरण की पवित्रता। और हम फॉलोवर है तो इसका मतलब यह नहीं कि उनके पीछे पीछे चले, उनके आचरण को देख देख कर हम सीखें और हम भी वैसा करें। यद यदाचरति श्रेष्ठ, तो उससे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मन का जो मैल है वो मिट जाएगा। और यदि ये मन रूपी दर्पण साफ हो गया और हमें सद्गुरु के उपदेश वचनामृत से दृष्टि मिल गया, अज्ञान का अंधापा दूर हो गया, तो निश्चित ही हम अपने ही हृदय में विराजित भगवान राम का दर्शन कर लेंगे, या तो स्वस्वरूप को देख लेंगे। आद्य शंकराचार्य भगवान कहते हैं स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति ही, इस प्रकार स्वस्वरूप का अनुसंधान यही भक्ति। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। तो सत्य पहला चरण, शौच पवित्रता दूसरा चरण, तप धर्म का तीसरा चरण, नंदी का तीसरा पांव तप। सत्य के लिए सहन करना, सत्य को आचरण में लाने में जो भी समस्या आवे सहना, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ना, इसका नाम है तप। केवल भूखा रहना, केवल ठंडी गर्मी सहना, यह तप नहीं। सत्य के लिए सहना, किसके लिए सह रहे हो, यह महत्वपूर्ण है। हरिश्चंद्र ने लिए सत्य के लिए बहुत सहा, सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, सत्य का ही आग्रह। सत्य के लिए सहना तप है। संसार के बड़े बड़े महापुरुषों ने
सत्य के लिए बहुत सहन किया है, तप है, और बिना तप के कुछ नहीं होता। तप की बड़ी महिमा है। रामायण में तो लिखा है कि तप बल ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करते हैं, तप के बल से ही विष्णु सकल जगत त्राता है, तप के ही बल से भगवान शिव संहार करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, हे भवानी यह समग्र सृष्टि तप के आधार से ही टिकी है। सूर्य अपना काम करते हैं, चंद्रमा अपना काम करते हैं, समुद्र अपना काम, धरती अपना काम, वायु अपना काम, सब तत्व प्रकृति के अपने अपने काम में लगे हैं। तप करो, तप करो, अपने अपने कर्तव्य का पालन करो, प्रदान करो, देते रहो, सत्य के लिए सहते रहो, सत्य न छोड़ो। तो सत्य, तप, पवित्रता, चौथा चरण है धर्म का दया। दया नहीं है जहां, वो धर्म धर्म नहीं है। कभी कभी तो धर्म के नाम पर इतनी क्रूरता, जिंदा आदमी का गला काट देना, दर्जी बेचारा नाप ले रहा है और उसकी दुकान में जाकर के गला काट, ये कोई धर्म? इसलिए धर्म क्या, धर्म शब्द बहुत पवित्र और ऊंचा है। दुनिया के सभी मजहब रिलीजन के साथ उसको हम लगाना भी नहीं चाहिए। धर्म तो है साक्षात राम, रामो विग्रहवान धर्मः। व्यक्ति के रूप में राम धर्म की मूर्ति माने गए, वो धर्म व्यक्ति के रूप में मूर्तिमंत हुआ तो वो श्री राम है। और अब तैयारी हो रही है अयोध्या में, बड़े भव्य मंदिर में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसी वो घड़ी समीप आ रही है, रामलला विराजेंगे। मैं अयोध्या जी गया तो वहां के सभी हमारे मुख्य कार्यकर्ताओं ने मुझे, मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन था और विजिट किया, मुझे बताया रामलला जहां विराजने वाले वहां गर्भगृह में भी मुझे ले गए। मैं उस भूमि को प्रणाम करके आ गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु जल्दी विराजो और दर्शन दो यहां इस दिव्य भव्य मंदिर में, जिसके लिए भारत की जनता सैकड़ों वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है। कमाल है, हिंदुस्तान में बहुमत समाज हिंदुओं को न्याय के लिए इतनी लड़ाई लड़नी पड़ी और सैकड़ों वर्षों की प्रतीक्षा, कितने बलिदान, कितने बलिदान। ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरयू तीरे अयोध्या नगरी, सरयू तीरे अयोध्या नगरी, संत भरे जहां गागरिया, संत भरे जहां गागरिया।
श्री रामचंद्र भगवान की अयोध्या धाम की। तो रामो विग्रहवान धर्मः, राम धर्म का मूर्तिमंत रूप है। याद रहे हमारी चर्चा चल रही है पोला उत्सव, बैल की पूजा ये रहे दोनों तरफ, ये धर्म का प्रतीक है, धर्म रूप है। और इसके चार चरण सत्य तप पवित्रता, चौथा चरण दया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। यह है सनातन हिंदू, ये हिंदुत्व है, ये हिंदुत्व है। हाँ जी, ये हिंदुत्व है। बीच में बात चली थी, हम हिंदू को मानते हिंदुत्व को नहीं। ले कैसे हिंदू धर्म से हिंदुत्व को आप अलग कर सकते हो? यह हिंदुत्व है। मैं करेला को मानूं कड़वाहट को नहीं, मैं शुगर को तो मानता हूं उसकी मधुरता को नहीं, मैं सॉल्ट को तो मानता हूं उसके खारेपन को नहीं, मैं अग्नि को तो मानता हूं लेकिन उसकी दाहकता को नहीं। यह कैसी बात हुई? यह हिंदुत्व है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। दया, प्राणी मात्र के प्रति दया। सब में राम है। विष्णु को हम व्यापक रूप में, हमारा आराध्य, हमारा भगवान, हमारा ईश्वर कोई सातवें आसमान में नहीं रहता, वो जन जन के हृदय में बैठा, हर कण में, हर क्षण में वो व्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
गाइए सर्वत्र सजीव हो निर्जीव हो स्थूल हो सूक्ष्म हो सब राम रूप ही है। हमारा राम सातवें आसमान में नहीं रहता, हमारा राम व्यापक है, सब रूपों में राम है, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समायो रहे, और इसलिए हम सबको वंदन करते हैं, और इसलिए हम व्यर्थ हिंसा नहीं करते। भागवत कहता है चलो तो भी दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, दृष्टि करके यदि कीड़े मंकोड़े सूक्ष्म जीव जंतु है तो हमारे पैरों तले कुचल कर मर न जाए, पाप लगेगा, अकारण हिंसा नहीं। कुछ एक हिंसा पाप रूप नहीं है लेकिन अकारण हिंसा पाप रूप है, अकारण हिंसा नहीं। राष्ट्र के ऊपर कोई हमला बोले, धर्म के ऊपर जब कोई आक्रमण करे, मानवता के पर आक्रमण हो, हमारे सीमा पर तैनात सैनिक युद्ध में कईयों को मार डालते हैं, वो हिंसा धर्म रूप है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तैयार किया युद्ध के लिए, अर्जुन के मन में यह था कि ये हिंसा युद्ध रूप घोर कर्म में तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, यह युद्ध धर्म है। अन्यथा तो हम धरती के कीड़े मंकोड़े कुचल कर मर न जाए, देख करके पांव भरते हैं, यह हिंदू धर्म है। हमें हिंसा से दुख होता है, इसलिए पवनार के संत ने, विनोबा जी ने हिंदू शब्द की एक नई परिभाषा हम लोगों का सामने रखी कि हिंसया दूयते चित्तम यस्य स हिंदू, हिंसा से जिसके दिल में दुख होता है वो हिंदू है। अकारण हिंसा नहीं, इसलिए प्राणियों को मारना, प्राणियों का वध करना, अरे इंसानों को काट डालना,
हम धर्म के नाम पर, और हम धर्म के नाम पर बिना किसी भेदभाव के वसुधैव कुटुंबकम की भावना से सबको खिलाते पिलाते, हालांकि किसी धर्म विशेष पर यह नहीं करेंगे, लेकिन कुछ धर्मांध होते हैं, धर्म का काम है दृष्टि देना, लेकिन कुछ लोग धर्म के नाम पर अंधे हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि धर्म के साथ, उनके मजहब के साथ, उनके रिलीजन के साथ जब कट्टरता जुड़ जाती है, धर्म का संबंध कट्टरता से नहीं करुणा से है, दया से है। इसलिए धर्म का चौथा चरण दया। ये सनातन वैदिक हिंदू धर्म की बात है, खास करके मेरे युवा भाई बहन ये सारी बातें समझेंगे तो सनातन धर्म के ऊपर गौरव करेंगे और हमें गर्व होगा, गर्व से कहेंगे कि हां हम हिंदू है, गौरवशाली हिंदू है, हम सनातन धर्मावलंबी है, हम भारतीय है। बोल भारत माता की जय, सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय। अब देश जाग रहा है, अब देश जाग रहा है। मैंने बहुत साल पहले कहीं किसी सभा में एक सूत्र दिया था, मुझे जो कहना था वो एक आध घंटा प्रवचन करके उसका सार मैंने एक सूत्र में कहा था कि इस प्रवचन का सार एक सूत्र में रखूं तो यह है कि संगठित और जागृत हिंदू, जागृत और संगठित हिंदू का मतलब है सुरक्षित माइनॉरिटी। इसलिए माइनॉरिटी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हिंदुओं से उनको कोई खतरा नहीं है, लेकिन हिंदू के आसपास खतरा है, सावधान, हिंदू किसी के लिए खतरा नहीं है। उल्टे जागृत और संगठित हिंदू का मतलब है सुरक्षित माइनॉरिटी, क्योंकि जागृत हिंदू अकारण किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा और संगठित हिंदू के ऊपर हमला करने की कोई सोचेगा नहीं, इसलिए वो भी सलामत और ये भी सलामत। तो जागृत और संगठित हिंदू का मतलब है सुरक्षित माइनॉरिटी। इसलिए हिंदू जागो, इसलिए हिंदू संगठित हो जाओ ताकि हमारी माइनॉरिटी सुरक्षित रहे, उनका भी कल्याण हो, उनका भी भला हो। कि भाई राष्ट्र के लिए जियो, हिल मिल करके जियो, हम सबका ये देश है, सब लोग मिलकर के रहो, हमारा ये ऊंचा और दूसरे को जीने का अधिकार नहीं, ये बातें छोड़ो। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, हम तो संपूर्ण वसुधा को एक कुटुंब, एक परिवार मान करके चलने वाले लोग हैं। शांति का मजहब या शांति की बातें या करने कैसे इतना इस तरह से क्रूर हो सकता है, लेकिन इतिहास ऐसा, शुरुआती वहां से हुई है, उसमें दोष नहीं है, क्योंकि विचारधारा वैसी बन गई। खैर, ये सनातन वैदिक धर्म है, इसकी शुरुआत पवित्रता, शांति, सत्य से हुई। द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष गुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतः, ये हमारे वेदों का उद्घोष, जहां से जो भी कल्याणकारी है, शुभ है, उसका हमने स्वागत किया। हमने ये नहीं माना
कि दूसरों के पास कुछ है ही नहीं बढ़िया वाला, नहीं, जिनके पास जो भी श्रेष्ठ है हम अपनाएंगे। हम अंधे अभिमानी भी नहीं हैं, हम समझदारी पूर्वक गौरव जरूर रखते हैं, उसका हमें गर्व है, लेकिन हम अंधे अभिमानी भी नहीं। हम अपनी भूलों को भी देखते हैं, परखते हैं, उन भूलों को सुधारने का भी प्रयास करते हैं। जो शांति से ही प्रकट हुआ है वो शांति फैलाएगा। तो धर्म का संबंध कट्टरता से नहीं, करुणा से। हमारे यहां महादेव को हम प्रलय के देव मानते हैं, संहार के देव मानते हैं, लेकिन महादेव की स्तुति करते हैं तो कर्पूर गौरम करुणावतारम। करुणावतार कहा, क्रोधावतार नहीं। गुजराती लोग एक भजन गाते हैं महादेव का, उसमें कहते हैं हे करुणा ना करनारा, तारी करुणा नो कोई पार न थी। कितने गुजराती बैठे हैं नागपुर में, गुजराती समाज बहुत बड़ा है, वाह। हे करुणा ना करनारा, तारी करुणा नो कोई पार न थी, ए संकट ना हरनारा, तारी करुणा नो कोई पार न थी। मैं पाप कर्या छे प्रलयंकर, लेकिन उसको हम करुणावतार कहते हैं। आशुतोष है, अवढ़रदानी है। तो धर्म का संबंध कट्टरता से नहीं, दया से है, करुणा से। कैसे कोई जिंदा आदमी की, इंसान की गर्दन काट सकता, गला काट सकता? और कायरतापूर्ण, हमारे यहां निहत्थे के ऊपर प्रहार करना यह भी कायरता है, अधर्म है। और सीधे ही निर्दोष लोगों के ऊपर यूं मशीन गन से गोलियों की बौछार करना, यह काय की मर्दानगी है। सत्य, तप, पवित्रता, दया, चार चरण पर धर्म चलता है। ये चरण क्यों है? आचरण के लिए। हम अपने आचरण में ले आए, अपने व्यवहार में ले आए। धर्मम भजस्व सततम। धर्म कोई मंदिर में गए 5-15 मिनट पूजा पाठ किया, धर्म खत्म हो गया,
धर्म कोई मंदिर में जाकर 5-15 मिनट आधा घंटा करने की प्रवृत्ति नहीं है, वो तो तुम्हारी साधना है, तुम्हारा भजन है, तुम्हारी आराधना है। लेकिन धर्म तो हर सांस के साथ होना चाहिए। धर्म को जियो, धर्म को श्वसो। हमारा हर कर्म धर्मयुक्त हो। धर्मम भजस्व सततम। तो राजा परीक्षित ने देखा है कि धर्म रूप बैल के 3 चरण टूटे हुए थे, एक ही चरण पर वो बैल ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, चलेगा कैसे। लेकिन ऐसे टूटे हुए अंगों वाले बैल को और उसके साथ साथ गाय को, जो धरणी का रूप है, हल से जोत कर वह कलिपुरुष खेती कर रहा था, अपना काम कर रहा था, अपना धंधा। समय समय पर, युग युग में धर्म के एक एक चरण का क्षय होने लगता है। धीरे धीरे लोगों में से दया आ जाने लगती है, पवित्रता विदा हो जाती है, धर्म के लिए सहना ये मुश्किल हो जाता है। ऐसा भी कहा गया है शास्त्रों में कि व्यवहार से सत्य गया, सत्य के लिए सहना यानी तप गया, जीवन से पवित्रता गई, फिर कलिकाल में बोले केवल दया रह गई थोड़ी बहुत। और इसलिए लोग दान करते हैं कि भाई गरीबों को खिला दिया, दान किया, अस्पताल बनवाया, ये बनवाया, वो बनवाया। ये न के न विधि दान करे कल्याण कलिकाल में, बाकी न सत्य रहा, न व्यवहार में तप रहा, न पवित्रता रही। कुछ भी खाते हैं, कहीं भी खाते हैं, कभी भी खाते हैं। और आहार का जो सूक्ष्मतम अंश है वो मन बनता। लोग फिर साधु संतों के पास जाते हैं, महाराज बाकी तो सब ठीक है, हम माला तो करते हैं लेकिन मन नहीं लगता। पांव भाजी खाकर कैसे लगेगा? मंचूरियन का मजा लेते रहते हो, कहीं भी खाते हो, कभी भी, रात में 11:30-12:30 बजे लोग खाते हैं रात में। अब 11:30 से लेकर 3:30 तक का समय आसुरी वेला है शास्त्रों की दृष्टि से, उसमें कुछ नहीं खाना चाहिए, न जलाशय में नहाना चाहिए। जैन परंपरा में तो सूर्यास्त के बाद खाना मना, उसके पीछे आरोग्य विषय भी कारण है। रात सोने के लिए होती है, खाने के लिए नहीं। लोग रात में खाते हैं, पार्टियां करते हैं, दिन में सोते हैं। रात में जागे दिन में सोए वो कौन, उसको क्या कहते हैं पता है? वो कौन होता है? उल्लू, घुबड़। उसको रात में दिखाई देता है, दिन में कुछ नहीं दिखाई देता। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। बाकी सारे के सारे प्राणी जैसे ही अंधेरा उतर आया चुपचाप अपने घरौंदे में निवृत्त हो जाते। एक हम लोग ही है मनुष्य, कौन काम कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये अपने आप को बुद्धिमान समझने वाले मनुष्य के पास अकल नहीं है। फिर न जाने कितनी बीमारियां पालता। बाकी सभी प्राणी प्रकृति के अनुसार चलते हैं। मनुष्य में या संस्कृति है या विकृति है, प्रकृति के बिल्कुल विरुद्ध चलता। संस्कृति यह है कि काम धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ है, तो काम का सुयोग्य उपयोग करके पति और पत्नी और अपने परिवार को बढ़ाए,
लेकिन वही काम विकृत हो गया तो बलात्कार करते हैं छोटी छोटी बच्चियों पर। ये कैसी विकृति? पशुओं में बलात्कार नहीं होता साहब जी, नहीं, पशु बलात्कार नहीं करते। ये बलात्कार वाली विकृति मनुष्य में, इसलिए धर्म की जरूरत है तो मनुष्य को, धर्म मनुष्य के लिए। अच्छी बात है कि नागपुर वाले पोला उत्सव में बैल की पूजा करते हैं। केवल पशु की पूजा करते हो ऐसा नहीं समझना, धर्मरूप है नंदी, और धर्म और धरती दोनों धारण करते हैं। धर्म वो वैल्यूज जिसको जीवन में धारण करने से हमारा और सबका जीवन सुखी होता है। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये हमारी प्रार्थना, सब सुखी होंगे, हम सुखी होंगे। कब? जब धर्म का पालन करेंगे, मूल्यों की प्रतिष्ठा होगी हमारे जीवन में। सत्य तप पवित्रता दया आदि बातें होंगी, मानवता होगी, परमार्थ होगा। केवल अपना ही पेट भरने की वृत्ति नहीं, मैं किस तरह से मेरे परिवार को सुखी रखूं, किस तरह से मेरे समाज को मैं उन्नत करूं, किस प्रकार मैं अपने राष्ट्र के काम आऊं, ये वाले विचार। जो केवल अपने लिए ही जीता है वो क्या खाक जीता है? अपना पेट तो पशु भी भर लेते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पशु भी पेट भरते हैं, लेकिन पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। तो ये जो मूल्य है, ये जो वैल्यूज है, वो जब व्यक्तियों के व्यवहार से, जीवन से मिटने लगती है, यही है धर्म की हानि। कि यवनों ने मंदिर तोड़ दिए, कि यज्ञ याग आदि बंद करा दिया, ऐसा सब वर्णन भागवत में भी है, रामायण में भी है, और हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन धर्म की हानि का वास्तविक अर्थ है लोगों के जीवन से वैल्यूज मिटने लग जाए, मूल्यों की प्रतिष्ठा न हो। लोग कहने लग जाए कि भाई सत्यवादी हरिश्चंद्र का यह जमाना नहीं है, दो पैसा कमाना है थोड़ा इधर उधर करते ही रहना पड़ता है। यह है धर्म का क्षरण, इसी को कहते हैं धर्म की हानि। इसलिए तुलसीदास जी ने गाया, जब जब हो ही धर्म के अधम अभिमानी
अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, रामायण में धर्म की हानि ऐसा शब्द प्रयोग है और गीता में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानि ऐसा शब्द। धर्म दुखी हो ग्लानि से भर जाए या उसकी हानि हो जाए, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, मतलब भौतिकता इतनी बढ़ जाए, स्वार्थ इतना बढ़ जाए, स्वार्थ के चलते लोग कपटपूर्ण व्यवहार करने लग जाए, झूठ व्यवहार में, पग पग बात बात में झूठ, कपट, दंभ, ईर्ष्या और अंत में हिंसा पर उतर आए, असुर बढ़ने लग जाए यानी आसुरी वृत्ति बढ़ने लग जाए। आसुरी वृत्ति का मतलब है खाओ पियो और मजा करो वाली विचारधारा, इट ड्रिंक एंड बी मैरी। उसके लिए जो भी करना पड़े, लूटो, बेईमानी करो, पैसा किसी भी तरह कमाओ, ये असुरत्व है। असुषु रमन्ते इति असुरा। और अभिमानी, अधम और अभिमानी, असुर नहीं देव की तरह हो, अधम नहीं श्रेष्ठ हो, और वो यदि अभिमान करे तो वो सुतीक्ष्ण जैसा अभिमान होता है। अस अभिमान जाहि जनि भोर, मैं सेवक रघुपति पति मोर, ऐसा अभिमान मेरा कभी न जाए कि मैं राम मेरे स्वामी हैं और मैं श्री राम का सेवक हूं। ऐसा अभिमान, ऐसा गर्व भक्त करे, उसको पद प्रतिष्ठा पैसे का कोई अभिमान नहीं है, मैं राम का सेवक हूं, ये अभिमान जरूर है। इसलिए हम कहेंगे गर्व से कहो हम हिंदू हैं, एक हिंदू की तरह जीते हुए रहते हुए जरूर हम गर्व करें। लेकिन वो अधम लोगों का अभिमान, वो आसुरी वृत्ति से भरे हुए लोगों का अभिमान धर्म को बहुत हानि पहुंचाता है। क्या करते हैं वे असुर अभिमानी, वे अधम? करई अनीति जाई नहीं बरनी, ऐसी अनीति करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सीदही बीप्र धेनु सूर धरनी, सीदही बीप्र विप्रों को दुखी करते हैं, ब्राह्मणों को यानी ब्रह्म को जानने वाले साधु संतों को, विवेक प्रधान विप्रों को, ज्ञानी पुरुषों को, धेनु गायों को काट काट कर खा जाते हैं। उसको मार करके उसके मांस से पैसा कमाते हैं। सीदही विप्र धेनु सुर, देवों को यानी देव जैसे चरित्र वाले सज्जनों को, और धरणी पृथ्वी को जो दुखी करते। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब भगवान विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, और हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा, कृपा निधि प्रभु सज्जनों की पीड़ा को, भक्तों की पीड़ा को, साधुओं की पीड़ा को हरते हैं, पुनः धर्म संस्थापन करते हैं। धर्म संस्थापन का अर्थ है
पुनः वैल्यूज के प्रति लोगों की निष्ठा, लोगों का भरोसा, लोगों का विश्वास दृढ़ करते हैं ताकि सब लोग धर्माचरण करें और सबकी ये समझ में आए कि भाई टैक्स की चोरी करके पैसे वाले नहीं बनेंगे, कर चुका करके भी पैसे वाले बना जा सकता है। सत्य के पथ पर चल करके ही हम सुखी हो सकते हैं। पैसा कमाने के लिए, हम तथाकथित सुखी बनने के लिए जो बेईमानी करते हैं ये जरूरी नहीं, वो तो अंत में जाके हमें दुखी ही करता है। अनीति से धन होत है बरस पांच अरु सात, तुलसी द्वादश बोल द्वादश बरस में जड़ा मूल से जात। धर्म में निष्ठा, मूल्यों में निष्ठा, यही धर्म का संस्थापन है। परित्राणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा का मतलब है व्यक्तियों में रही हुई साधुता की, सज्जनता की रक्षा, ताकि लोग सज्जन बने रहे। विनाशाय च दुष्कृताम, यानी दुर्जनों की दुर्जनता खत्म हो जाए। धर्म संस्थापना अर्थाय, पुनः वैल्यू की प्रतिष्ठा हो, धर्म की संस्थापना हो। भगवान कहते हैं संभवामी युगे युगे, इस प्रयोजन से मैं हर युग में अवतरित होता हूं। राजाओं को भी हम गो ब्राह्मण और धर्म प्रतिपालक मानते थे, राष्ट्र की रक्षा करने वाले, तो धर्म की हम पूजा करते हैं। धर्म रूप नंदी, तो गाय की पूजा तो होती है, सर्वदेवमयी है गो माता, गाय में सभी देवताओं का वास। हमारे यहां गाय और गोवंश दोनों की बड़ी महिमा है और दोनों की रक्षा होनी चाहिए। विनोबा जी ने बहुत सत्याग्रह किया है, देवनार का कत्लखाना है मुंबई में बड़ा। अच्युत देश पांडे जी के साथ मैंने भी उस सत्याग्रह में हिस्सा लिया था उस समय में। गांधी बापू ने भी यह सपना देखा था कि भारत आजाद हो जाएगा, उसके बाद इस देश में गाय काटी नहीं जाएगी। अभी तक उस बात को हम सिद्ध नहीं कर पाए, चरितार्थ नहीं कर पाए। गाय काटी नहीं जाए, वो एक दिन आएगा ऐसा, लेकिन फिर गाय भूखी भी न मरे ये भी पहले देखना होगा। बहुत लंबा प्रोजेक्ट है साहब, ये इतना इजी नहीं है कि कानून बनाया गो हत्या बंदी का और गाय बच गई, ऐसे गाय बचने वाली नहीं है। बहुत लॉन्ग वे टू गो और बड़ा विजन उसके लिए होना चाहिए। देश के समझदार लोग सब उसके ऊपर चिंतन कर ही रहे हैं। मुझे भी जहां जहां सेवा करने का अवसर दिया जाता है वहां मैं भी अपना विचार प्रस्तुत करता हूं। बहुत साल पहले यानी शायद 1997 में, शायद 1900 या उससे पूर्व, राजस्थान के भीलवाड़ा में मैं कथा कर रहा था। तो भीलवाड़ा की कथा, भीलवाड़ा से संबंधित दो बातें मुझे याद है। एक तो भीलवाड़ा में कथा चल रही थी, उस दरम्यान संघ परिवार का संचलन हुआ था वहाँ, और रज्जू भैया, माननीय रज्जू भैया सरसंग चालक थे, वो पता नहीं वो बहुत प्रेम रखते थे, बहुत प्रेम रखते थे। वो तो मुझे उस संचलन में अतिथि के रूप में उनका आग्रह था कि मैं जाऊं, तो फिर मैं कथा से वहां गया था और वहां पर भी मुझे संबोधन करने के लिए कहा गया, तो मैंने 5-10 मिनट में अपनी बात कही। और दूसरा, भीलवाड़ा में माधव गौ सेवा अनुसंधान केंद्र का भूमि पूजन और शिलान्यास मैंने किया, तो उस वक्त वहां मुझे अपने विचार जो वहां रखने थे गाय से संबंधित मैंने रखे। उसके बाद तो फिर कई सभाओं ने मैंने अपने विचार रखे और उस दिशा में थोड़ा और भी काम, गौशाला तो चला ही रहे हैं,
गायों की सेवा तो, और गाय तो हमारे लिए अनिवार्य है क्योंकि पाठशाला चल रही है, बच्चों के लिए दूध चाहिए, वेद पढ़ने वाले बच्चों के लिए, और प्रभु की कृपा है कि हमारे बच्चे गिर गाय का, देशी गिर गाय का शुद्ध दूध पीते हैं जो उनको घर पे भी नहीं मिलता, और वेद पढ़ते हैं। तो हमारे यहां तो गायों की सेवा, क्योंकि पहले खुद करो तब किसी को जा करके कहो, तो छोटे मोटे स्तर पर 300-350 गाय रखी है। गाय और गोवंश हमारे यहाँ है और हम संभालते हैं, और हम क्या संभालते हैं, गाय माता हमको संभालती है ये कहना चाहिए। और वो गो दुग्ध गो घृत इत्यादि से फिर बुद्धि भी ऐसी बनती है कि हम वेदों को ठीक से पढ़ सकें, समझ सकें। और इस तरह से ऋषि कुमार सब वहाँ गो सेवा भी होती है और गाय माता की कृपा से अच्छे तेजस्वी बालक तैयार हो रहे। तो गो हत्या का केवल कानून बना लेने मात्र से गाय बचने वाली नहीं है, उसके लिए बहुत चिंतन करना होगा, नहीं तो कहीं गाय भूखी मर जाएगी। ये सब ना हो, गाय की रक्षा हो, गोवंश की रक्षा हो। तो विनोबा जी ने ये चाह, गांधी बापू ने चाहा था, विनोबा जी ने चाहा था, बहुत से सत्याग्रह आज भी साधु संत मिलकर के ये चाहते हैं। और इसलिए एक मूवमेंट ये चल रही है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, एक मांग ये एक अभी चल रही है, क्योंकि हमारे शंकराचार्य जी से मेरी बात हुई थी, तो एक ये भावना है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, तो बहुत हद तक गाय की उससे रक्षा होगी। इस शरीर के 60 वर्ष जब पूरे हुए तो अहमदाबाद में 3 दिन का उत्सव किया भक्तों ने, और सभी साधु संत आशीर्वाद देने पधारे थे, और सभी मजहब के अलग अलग महानुभाव भी आए, तो हमारे इलियासी जी भी आए थे उसमें मुस्लिम उसका प्रतिनिधित्व करते हुए। वो उनके फिरके के अखिल भारतीय मौलवी संघ के अध्यक्ष है, और मैं उनको इसलिए याद कर रहा हूं कि उस सभा में स्वयं इलियासी जी ने मंच से ये कहा कि मैं केंद्र सरकार से विनती करता हूं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। तो उस दिशा में बहुत सोच समझ करके देश के जो बड़े विचारशील लोग हैं निश्चित रूप से कुछ निर्णय करेंगे। तो गाय की पूजा हम गाय के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं। और गो आधारित कृषि, हमने जमीन की जो हालत कर दी है पश्चिम की देखा देखी करके, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स और जंतुनाशक और इतना विषैला बना दिया गया है आहार हमारा कि पता नहीं हम अन्न खा रहे हैं कि जहर खा रहे हैं। अब धीरे धीरे सरकार उस दिशा में भी काम कर रही है और जैविक खेती की दिशा में। पवनार में मैंने देखा वहां जाकर के विनोबा जी खुद अपने हाथ से वो ऋषि वाली कृषि करते थे, कुदाली हाथ में लेकर के हाथ से खोदना कुछ एक एरिया में, और वो इस तरह से खेती करते थे पवनार में। और विनोबा जी का साहित्य खैर अर्वाचीन युग के एक ऋषि विनोबा जी थे, आप लोगों ने पढ़ाई होगा, नागपुर में रहते हो, न पढ़ा हो तो विनोबा जी का साहित्य जरूर पढ़ना। मैं पवनार गया तब मुझे मैंने भी वो पूरा लिया, वहां से प्राप्त किया, विनोबा जी का साहित्य पढ़ने लायक है, गीताई क्या कहना। आज जोड़ करके आज प्रथम दिन ही एक विनती करूं सबसे, दिन में एक घंटा, कम से कम एक घंटा अच्छी पुस्तकें पढ़ो, बहुत फायदा होगा, सच मानिए बहुत फायदा होगा। एक घंटा अच्छी पुस्तकें पढ़ने में बिताओ, मोबाइल को छोड़, मोबाइल खराब वस्तु नहीं है, मोबाइल का खराब उपयोग खराब वस्तु है,
बाकी मोबाइल काम की चीज है, लेकिन एक घंटा मोबाइल को छोड़ करके अच्छी पुस्तकें पढ़ो। कहते हैं माता 100 शिक्षक के बराबर होती है, एक माता 100 शिक्षक के बराबर होती है, और बिल्कुल सत्य है। मोबाइल को एक तरफ छोड़े थोड़ी देर तो एक माता 100 शिक्षक के बराबर। अच्छी पुस्तकें पढ़ो माताएं बहनें, महापुरुषों का चरित्र पढ़ो। रामायण भागवत गीता का तो हम पाठ करते ही हैं, लेकिन अच्छे महापुरुषों का चरित्र इत्यादि पढ़ो, बहुत फायदा होगा, बहुत प्रेरणा मिलेगी। हम टीवी और मोबाइल में और फिर बाकी की चीजों में इतने व्यस्त हैं कि हम पढ़ने से जो मिलेगा साहब उसकी बात ही कुछ और है। अच्छी पुस्तकें पढ़ो, बिलीव मी, बहुत फायदा होगा। तो विनोबा जी का साहित्य भी बड़ा अद्भुत साहित्य है। एक अर्वाचीन युग के ऋषि, तो जैविक खेती ऐसी, तो गाय और गोवंश आधारित कृषि, बैल कोई निकम्मी चीज नहीं है। हमारे गुजरात में इस वक्त राज्यपाल के रूप में एक ऋषि चरित्र आचार्य देवव्रत जी हमारे राज्यपाल है, और वो पूरा इस दिशा में काम कर रहे हैं कि जैविक खेती, ऋषि खेती की ओर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। हमारा डांग जिला तो बिल्कुल ऑर्गेनिक डिक्लेयर हो भी गया गुजरात में। तो हमने, जैसे आदमी दारूडिया हो जाता है ना, शराबी, उस तरह से धरती को हमने शराबी बना दिया केमिकल फर्टिलाइजर से, और उसको फिर शराब नहीं मिले तो कैसी उसकी हालत हो जाती है। अब फर्टिलाइजर नहीं डालो तो वो खेती कुछ नहीं देती, क्योंकि उसको बिल्कुल निकम्मा बना दिया है हमने। तो कुछ साल लगते हैं, लेकिन उसमें गाय और गोवंश आधारित जो चीजें हैं, गौमूत्र है, गोमय है, वो खाद है हमारी देशी खाद, उससे धीरे 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 धरती में पुनः वो ताकत आ सकती है। जेनेटिकली मॉडिफाई करके हम जो नए 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 बीज बनाते हैं, ये मल्टीनेशनल्स का धंधा बढ़ाने की ऐसी योजनाएं हैं कि फिर उसको बोले इसको जंतु नहीं लगेंगे, इसको जीवात नहीं लगेगी और अच्छा पैदावार होगी आदि आदि, हो भी सकती है, कोई उसमें डाउट नहीं है। लेकिन फिर बोले वो बीज तुम बोओगे तो बात नहीं बनेगी, वो हमसे ही लेना पड़ेगा अगले साल, फिर हमसे नहीं तो पहले हम ये करते थे कि जो भी मिला उसमें से फिर बचाया आने वाले दिनों के लिए बीज को, लेकिन अब उसी बीज को आप बो नहीं सकते, उसकी बुआई नहीं हो सकती। तो हर चीज में किसान को धीरे 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 इतना डिपेंडेंट बना दिया। अब सोचो केंद्र सरकार खाद के ऊपर इतनी जबरदस्त हजारों हजारों करोड़ सब्सिडी के रूप में दे रही है, वो यदि बंद कर दे तो किसान की क्या, आज बेचारा इतना दुखी है, वो सब्सिडी बंद हो जाए तो क्या हालत होगी। उस दिशा में कौन ले गया खेती को, हमने पूरा, हमारा ढांचा पूरा बदल गया। तो विनोबा जी आदि जैसे ऋषि, गांधी जी बापू जैसे, और हमारे ऐसे पूर्व पुरुष सब जिन्होंने बहुत इस दिशा में चिंतन किया, ऋषि और कृषि की संस्कृति है हमारी। तो गाय की पूजा और गोवंश बैल की भी पूजा, पोला उत्सव। अच्छा है नागपुर वालों, आप लोगों ने मुझे ऐसा विषय दे दिया है पहले ही दिन से कि अब ये चलेगा और इसी के आसपास पूरी कथा घूमने वाली है, गाय और बैल, पोला उत्सव, और फिर यहां रख दिए गए हैं। और हमारे विशिष्ट कन्हैया मुरली मनोहर गोपाल कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, और बांसुरी बजा रहे हैं कृष्ण, इसका मतलब है
ये कथा जो है वो भी कृष्ण की बांसुरी, मैं तो बांसुरी की तरह हूं, वो बोल रहा है, वो बजा रहा है, श्री कृष्ण ही कुछ कह रहे हैं। भागवत भी श्री कृष्ण के वंशी की ही ध्वनि है, ऐसा समझो, नाद स्वरूप है, भगवान की वाणी है भागवत। तो गाय की भी पूजा स्वाभाविक रूप से, बैल की भी पूजा, धर्म रूप नंदी और धरणी रूप गाय, जिसको दुखी करने वाला कलिपुरुष और उसको दंड देकर के गाय और बैल को बचाने वाले परीक्षित, उसकी कथा हम आने वाले दिनों में करेंगे। आज प्रथम दिन है, एक प्रारंभिक पीठिका बनी श्रीमद् भागवत के लिए। भागवत भगवान नारायण का, श्री कृष्ण का ही वांग्मय स्वरूप है। भगवान 12 अंग वाले हैं, इसलिए भागवत के 12 स्कंद है। नैमिषारण्य में शबनकादि ऋषियों और सुत महाराज के मध्य संवाद चल रहा है। 1000 वर्ष का यज्ञ शबनकादि ऋषियों का है। प्रातः सत्र में यज्ञ करते हैं, अपराह्न सत्र में वे सुत जी के मुख से कथा सुनते हैं। प्रार्थना करी सुत महाराज, घोर कलिकाल आया है, जीव सब आसुरी वृत्ति वाले बनते जा रहे हैं, दुखी है, क्लेशाक्रांत, ऐसे में उनका कल्याण कैसे हो, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, ऐसा कोई उपाय बताओ। सुत पुराणी कहते हैं, प्रीति ही शौनक चित्ते ते ह्यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम भक्त्योघवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते विधास्यामि सावधानतया श्रणु। सर्व सिद्धांत निष्पन्न, सब ग्रंथों के सार रूप, संसार के भय को मिटाने वाला, भक्ति को बढ़ाने वाला और श्री कृष्ण परमात्मा को प्रसन्न करने वाला जो साधन है बतलाता हूं, सावधान होकर के सुनो। पर वो साधन क्या है, काल रूपी व्याल सर्प के मुख का ग्रास बनने का जो त्रास है, पीड़ा, उससे बचना है तो कलिकाल में श्री सुखदेव जी के द्वारा गाया गया यह जो श्रीमद् भागवत है उसका आश्रय करो। भागवत सुनो, भागवत पढ़ो, भागवत का चिंतन करो, वही बचाएगा काल रूप सर्प से। जन्म जन्मांतर के पुण्य का उदय होता है तब जाकर के कहीं भागवत प्राप्त होता है। ऐसा मत समझना कि ऐसे ही मिल जाती है कथा, गंगा तो बह ही रही होती है, कोई दरवाजा ही नहीं है, 2400 घंटा जा सकते हो, लेकिन कितने लोगों को गंगा जाकर के स्नान करने की इच्छा होती है। उसी प्रकार कथाएं तो चलती रहती है, लोग कहते आजकल कथाएं कुछ ज्यादा ही नहीं हो रही है, ज्यादा तो हो रही, लेकिन तूने कितनी बार सुनी, तू कितनी बार गया, गंगा तो डे एंड नाइट बह ही रही है, तेरा मन करता है क्या। वो तो जिसका पुण्य उदय हुआ हो उसी को इसमें निमज्जन करने का विचार आता है। हम सब भाग्यशाली है, अतः पिबंधु सद्भाग्या कि इतनी बड़ी संख्या में हम यहां बैठ करके भगवान की मंगलमयी कथा और ऋषियों के दिव्य विचार हम सुन रहे हैं। अरे देवों के भाग्य में नहीं है वो कथा, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, ऐसी देव दुर्लभा यह कथा। देवर्षि नारद ने सनत कुमारों से सुना था। एक बार क्या हुआ, नारद जी पृथ्वी पर विचरण करते करते जब वृंदावन पहुंचे
तो कलिकाल में चारों तरफ अधर्म फैला हुआ था। देख करके नारद जी का मन भी दुखी हो गया था और वहां एक दृश्य देखा वृंदावन में तो नारद जी और दुखी हो गए। क्या देखा कि भक्ति देवी वहां रो रही थी, वो खुद दुखी थी और उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध अशक्त और सोए पड़े थे। भक्ति देवी ने कहा कि नारद जी मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो, इन दोनों को जगाओ, मैं अपने बच्चों को लेकर विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश चली जाना चाहती हूं। नारद जी ने वेद घोष किया, गीता पाठ किया, ज्ञान वैराग्य नहीं जाग पाए और जागे तो फिर से उबासियां लेते हुए सो गए। नारद जी ने कहा भक्ति मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं तेरे दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को जगाऊंगा और ज्ञान वैराग्य समेत तेरा घर घर के अंदर और जन जन के मन में स्थापना करूंगा, यदि मैंने इतना नहीं किया तो मैं हरि का दास नहीं। नारद जी ने प्रतिज्ञा करी, आकाश में आकाशवाणी हुई, एतदर्थ आप सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है संत समझाएंगे। नारद जी ने अनेक संतों से पूछा, जवाब नहीं मिला। तब गए हिमालय में बद्रिकाश्रम में, सनत कुमारों से मिले तो सनत कुमारों ने उपाय बताया। आकाशवाणी ने सत्कर्म करने के लिए बोला है तो सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि, यज्ञ यागादि सब द्रव्य यज्ञ वो कर्म सूचक है, लेकिन सत्कर्म सूचक है ज्ञान यज्ञ। आप श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ करिए, आपका काम सफल हो जाएगा। तो नारद जी ने कहा महाराज आप ही कथा सुनाओ, मैं आयोजन करता हूं। तो जिस प्रकार यहां अग्रवाल परिवार आयोजक है, वहां नारद जी खुद आयोजक बन गए और यहां कथा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जुड़े हुए इस मैदान में हो रही है। तो वहां गंगा के आनंद तट पर हरिद्वार में कथा का आयोजन किया गया। यहां जिस तरह से आप आए हो, वहां भृगुर वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातौ अनेकानेक ऋषि मुनि आए, विरक्त महात्मा शिष्यों को लेकर आए और गृहस्थ ऋषि अपने परिवारजनों को लेकर आए। बहुत बड़ी सभा हो गई। सनत कुमारों ने भागवत की कथा के महिमा का गायन किया, सदा सेव्या श्रीमद भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। कथा की महिमा बता ही रहे थे सनत कुमार कि क्या हुआ, एक आश्चर्य, ज्ञान वैराग्य जो यमुना के किनारे वृंदावन में सोए पड़े थे वो वहां जाग गए। न केवल जागे, उनका बुढ़ापा मिट गया, वे दोनों तरुण बन गए और देखकर मां भक्ति देवी बड़ी प्रसन्न हो गई और एक हाथ ज्ञान ने पकड़ा भक्ति देवी का, दूसरा हाथ वैराग्य ने पकड़ा। मामा जिस कथा ने हमको नवजीवन दिया, चलो ना वहां जाते हैं, हमको कथा सुनना है। बोले हाँ बेटा चलो चलते हैं। दोनों पुत्रों को लेकर के और नाचती गाती भक्ति महारानी आई तो देखा सबने तो सब तीर्थ भी साथ में हो लिए, कई लोग साथ में हो लिए, चारों वेद भी वहां साथ में हो लिए और बड़ा संग हो गया और वे सब श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, भगवान नाम संकीर्तन करते हुए सब कथा में पधारे। प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायां आश्चर्यमेकं समभूत्तदानीं तदुच्यते संशृणु शौनकत्वं श्रीकृष्ण गोविन्द हरे नारायण हे नाथ नारायण।
यही भगवान की कथा की महिमा है कि जहां कथा हो रही होती है वहां ज्ञान भक्ति वैराग्य चारों वेद छवो शास्त्र भारत के सकल तीर्थ वो सूक्ष्म रूप से यहां पर उपस्थित हो जाते हैं। सनत कुमारों ने स्वागत किया क्योंकि वो वक्ता है, व्यासपीठ से स्वागत किया। भक्ति देवी ने कहा कि मैं अपने पुत्रों समेत कहां पर बैठूं, कोई महानुभाव आए तो हम दिखाते हैं ना आसन के, यहां पर बिराजो आओ वेलकम। तो सनत कुमारों ने कहा कि बिराजो भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य के साथ, कहां? बोले हमारे जितने श्रोता बैठे हैं कथा सुनने उनके मन में बिराजो, इसलिए ज्ञान और वैराग्य समेत भक्ति देवी सभी सुनने वाले श्रोताओं के मन में विराजमान हो गई। भगवान भी अपने धाम को छोड़कर सबके हृदय में प्रकट हो गए। शरद कुमारों ने भागवती कथा का महात्म्य सुनाते हुए कहा, कोई कितना ही कायिक वाचिक मानसिक पाप करने वाला या महापापी क्यों न हो, श्रीमद् भागवत के श्रवण से वह पाप मुक्त भी हो जाता है और भगवान के धाम को भी प्राप्त होता है। ऐसे एक महापापी ब्राह्मण बनकर के बिगड़े हुए धुंधुकारी की कथा सुनाई। एक तो ब्राह्मण उसमें बिगड़े, आत्मदेव का बेटा धुंधुकारी, न खाने योग्य खाता था, न पीने योग्य पिता था, स्नान शौच क्रियाहीन था, वेश्यागामी था, अंत में वेश्याओं ने ही धन की लालसा में उसको मार डाला, प्रेत बना। भाई गोकर्ण ने अपने भैया धुंधुकारी का श्राद्ध किया पितृ गया में, तो भी इसकी प्रेत अवस्था से मुक्ति नहीं हुई। जब उस प्रेत ने धुंधुकारी से कहा कि गया श्राद्ध शते नापि नमे मुक्ति ही भविष्यते, 100 गया श्राद्ध भी हो जाए तो मेरी मुक्ति संभव नहीं, तब गोकर्ण ने सूर्य नारायण से पूछा कि हे सविता देव, 100 गया श्राद्ध से भी जिसकी मुक्ति नहीं होती उसकी मुक्ति का कोई उपाय है? तो सूर्य नारायण ने बुद्धि को प्रेरित किया, धियो यो न प्रचोदयात्, कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु, उसकी मुक्ति होगी श्रीमद् भागवत से, आप भागवत ज्ञान यज्ञ करिए। फिर गोकर्ण महाराज भागवत कथा स्वयं सुनाते हैं, गांव लोग आते हैं, वो प्रेत अवस्था वाला धुंधुकारी भी वायु रूपधारी एक बांस में आकर के निवास करता है। एक एक दिन की कथा पूरी होती रही, बांस की एक एक गांठ टूटती रही, 7 दिन की कथा हुई, 7 गांठें टूट गई और बांस फट गया, अब तो अंदर से दिव्य देहधारी धुंधुकारी बाहर आया। इसका तात्पर्य यह है कि वासना ही बांस है, उसी में जिसका निवास, वासना से ही भरा आत्मा वो प्रेतात्मा है, और उसकी गांठें शरीर में वासना, घर में वासना, पैसे में वासना, परिवार में वासना, समाज में मेरी प्रतिष्ठा, मेरी सत्ता, मेरी कुर्सी, अरे पुस्तकों में भी वासना होती है। कथा सुनते सुनते वासना की एक एक गांठ टूटने लगती है, अंत में वासना से मुक्त होकर के जीव प्रेत योनि से छूट जाता है। भगवान के पार्षद आए भगवान का विमान लेकर के, और धुंधुकारी जो दिव्य देह रूपधारी है उसको ले गए भगवान के धाम में। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फलप्रद। ये कथा सुनाया और भागवत की महिमा का गायन किया, अंत में विधि कथन किया है। जैसे वैद्य जी दवाई देने के बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई ये वाली जो गोली है वो भूखे पेट लेनी है, एक सुबह एक शाम, और ये वाली जो टेबलेट है वो खाना खाने के बाद एक सुबह एक दोपहर में एक शाम को, और इसमें जो लिक्विड है इस बॉटल में वो रात में सोने से पहले 2 चम्मच ले लेना, उसके बाद पानी वानी मत पीना। तो दवाई की विधि बतलाते हैं, सेवन की मात्रा बतलाते हैं, उसी प्रकार यहां विधि कथन है भागवत के महात्म्य में 6 अध्याय में, किस प्रकार भागवत का सेवन करना चाहिए।
अंत में वहां श्री सुखदेव जी भी आए और सुखदेव जी ने उस सभा में आकर के कहा कि सुनो प्यारे श्रोताओं, ये तुम लोग जो आनंद ले रहे हो ना यहां, वो स्वर्गलोक में भी नहीं है, सत्यलोक में भी नहीं है, वैकुंठ में भगवान है लेकिन भगवान की कथा नहीं है। स्वर्गे सत्ये च वैकुंठे, स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्यम रसः। वो तुमको मिला है सौभाग्य, अतः पिबंतु सद्भाग्या मामा मुंचत करहि चित। ऐ भाग्यशालियो, पियो, इसका आनंद लो, इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना, तुम धन्य हो। इस तरह से भागवत की महिमा का गायन करके कहा कि एक क्षण के लिए भी अपने क्षेम के लिए, कल्याण के लिए, पिबत शुक गाथा तुल सुधाम अमृत तुल्य, इस भागवत सुधा का पान करो, तो परीक्षित प्रमाण है कि श्रवण मात्र से ये कथा मुक्ति का दान करने वाली। 12 स्कंधों में, 335 अध्यायों में और 18,000 श्लोकों में कही गई यह भागवती संहिता परमहंसों की संहिता है, भक्ति जनी का है। ऐसी कथा का हम गायन करेंगे, 7 दिन आनंद लेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। इसके साथ भागवत जी में प्रवेश। आइए आज की कथा को यहां इसी निवेदन के साथ विराम देते हुए आप सबसे अनुरोध, नित्य प्रति 3:30 बजे से लेकर कथा का प्रारंभ, ठीक 3:30, आज थोड़ा विलंब पहला दिन था लेकिन कल मैं ठीक यहां 3:30 बजे निश्चित रूप से होऊंगा ठाकुर जी की कृपा से, और 3:30 से लेकर के हम यात्रा का प्रारंभ करेंगे। आप सब लोग, बहुत सुंदर व्यवस्था करी है अग्रवाल परिवार ने, आप सब लोग भी पूरे अनुशासन के साथ कथा श्रवण कर रहे हैं, हम आनंद लेंगे। आइए भाई रवि अग्रवाल, अमिता अग्रवाल, भाई सूरज अग्रवाल और अर्चना और पूरा अग्रवाल परिवार बहुत उत्साह के साथ जुड़ा हुआ है। अभी सब आएंगे यहाँ साय आरती के लिए। हम सब लोग इतनी जल्दी भी ना करें, आरती लेकर के तब जाएं, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो आपको छूट है, अदरवाइज आरती लेकर के तब हम जाएं। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। हरि नारायण गोविंद, हरि नारायण गोविंद, अदालिया में जाते हुए नारायण गोविंद, प्रभु नारायण Govinda, Govinda, Govinda.
भाव और प्यार से जय घोष करें। श्री द्वारकाधीश की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सदगुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राम। श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। श्रीमद् भागवत को प्रणाम। पूज्य गुरुदेव पूज्य भाई श्री के श्री चरणों में प्रणाम। पूज्य भाई श्री की कथाएं निरंतर चलती रहती है, लेकिन आज जिस प्रकार से प्रथम ही दिन पूज्य भाई श्री ने जिस प्रकार से जिस भाव से कथा की, आप बड़े सौभाग्यशाली है। अद्भुत तरीके से उन्होंने आज ही कथा का प्रारंभ किया। वैसे जब हम खिचड़ी बनाते हैं तो खिचड़ी पक गई या नहीं ये देखने के लिए उनके हरेक दानों को नहीं टेस्ट करते हैं, बस उसमें चम्मच डालकर अगर उसके एक दो दानों को दबाते हैं तो पता चल जाता है कि खिचड़ी पक गई या नहीं। आज पहले ही दिन आप सब नागपुर वासियों की अनुशासन और धर्मनिष्ठा का हमें भी पता चल गया, इसकी हमें प्रसन्नता है। जिस प्रकार से आपने कथा श्रवण की, इससे पूज्य भाई श्री की वाणी में इतना प्रभाव, इतना आपको देखने को मिला। और ऐसा कहा जाता है कि श्रेष्ठता ऊंचे आसन पर नहीं बल्कि ऊंची सोच पर निर्भर करती है। पूज्य गुरुदेव जी की जो ऊंची सोच है उनका परिचय आपको आज मिला है कि उनकी कथा सिर्फ कहानी में नहीं है। उनकी कथा का तरीका सामाजिक समस्याएं, चाहे वो राष्ट्रीय हो या वैश्विक, उनको भी वो साथ मिलाकर उनका भी मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए ये कथा इतनी हमें भा जाती है। वासना की बात हुई, इच्छाएं ही हमें दुखी करती है। इच्छाएं बड़ी बेवफा होती है, किसी शायर ने कहा, इच्छाएं बड़ी बेवफा होती है, कमबख्त पूरी होते ही बदल जाती है। एक को पूरी करो दूसरी शुरू हो जाती है, इच्छाएं अंतहीन है। इसलिए ये भागवत का शरण है कि जहां जमीर की मरम्मत होती है, एक बड़ा अद्भुत शेर है अंत में, मरम्मत जमीर की इसलिए भी जरूरी है, मरम्मत जमीर की इसलिए भी जरूरी है ताकि उम्र भर तू खुद से भी नजरें मिला सके, हम खुद से नजरें मिला सके। इसलिए ये जमीर की मरम्मत का ये शास्त्र है। और ये शास्त्र जब पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से हो तो इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। पूज्य गुरुदेव के संकल्प यज्ञ जो भी है उनके बारे में हम यथा अवकाश आपको बताते रहेंगे। आइए आज विराम की तरफ चलते हैं। यजमान परिवार की ओर से आरती के लिए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे पल पावे दुख ऋण से मन का, स्वामी दुख ऋण से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता
किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आज करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी परम ब्रह्म परमेश्वर, परम ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति, किस विध मिलो दयामय, किस विध मिलो गोसाई, तुमको हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, मंगलं भगवान विष्णु, मंगलं गरुडध्वज, मंगलं पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि, सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवंदनम्, हस्ताभ्याम देवाभिवंदनम्, स्वात्मकल्याणार्थयात्मश्रेयार्थयात्माभिवंदनम्, हस्तौ प्रक्षाल्य मंत्रपुष्पाञ्जलिः, हरि ओम जगनेन जगन्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम भूर्भुवस्वः। श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। चरण कमलयोः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। अनंतानंद कोटि वारं नमस्कारान् समर्पयामि। श्री भागवत भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सदगुरु भगवान की जय। ओम
नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हरि ओम हे हरि हे हरि हे हरि। कल कथा का प्रारंभ 3:30 बजे होगा। आप सबसे निवेदन है उससे पहले अपना अपना स्थान ले लीजिएगा। कथा की एक गरिमा महिमा होती है कि वक्ता आने से पहले श्रोता अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। तो कल से हम यही कोशिश करेंगे, ये आप सबसे निवेदन है। Haribo.